चलिए दोस्तों, सो वेरी 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 गुड इवनिंग। और स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों हम अपना बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट, और नाम क्या है दोस्तों इस सब्जेक्ट का, दैट इज नोन एज व्हाट दोस्तों, ऑडिट। चलो, ऑडिट द मोस्ट 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 इजीएस्ट एंड मुझे कहना चाहिए एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर द सीए स्टूडेंट। हम इस सब्जेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं दोस्तों। इस सब्जेक्ट के बारे में पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सब्जेक्ट है दोस्तों, इसमें खुशी की बात ये है कि इसके अंतर्गत दो पार्ट में इसका जो कंसेप्ट है वो डिवाइडेड है। पहला अगर हम बात करें दोस्तों, डेट इज MCQ। यस, पहला आपके पेपर में क्या आएंगे दोस्तों, MCQ आएंगे। और दूसरा अगर मैं आपके पेपर में बात करूं तो दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। तो दो प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि अप्रोक्सीमेटली कितने मार्क्स का आएगा, 30 मार्क्स का। और आएंगे दोस्तों आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि कितने मार्क्स के आएंगे, 70 मार्क्स के आएंगे। ऑडिट का पेपर विश्वास मानिए दोस्तों, कंसेप्चुअली तो ऑडिट बहुत ही ज्यादा इजी सब्जेक्ट है, लेकिन पेपर वाइज भी मैं आपको बात करूं ना, इस सब्जेक्ट के अंतर्गत एग्जेम्पशन स्कोर करना बहुत आसान है। यस दोस्तों, मतलब सबसे प्यारी बात है ऑडिट सब्जेक्ट की ये कि भाई पहली चीज आपको मिल रहा है 30 मार्क्स के एमसीक्यू जिसमें से अपन 25 प्लस का स्कोर तो करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा अगर मैं ऑडिट की बात करूं ना दोस्तों, तो ऑडिट के अंतर्गत कुछ चैप्टर्स जो है ना यहां पर डिफाइंड है जिनमें से एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो भी चैप्टर्स मैं आपको बताऊंगा ना, वो चैप्टर्स ऐसे चैप्टर होते हैं जिसे मैं अपनी भाषा में बोलता हूं मोनोटोनस चैप्टर। मोनोटोनस चैप्टर मतलब इन चैप्टर के अंतर्गत कोई भी टेक्निकलिटी नहीं है। आपको चैप्टर एकदम सिंपल सा स्ट्रक्चर्ड चैप्टर्स दिखेंगे, और उन चैप्टर्स में से अप्रोक्सीमेटली नहीं हो तो मैं आपको बोल सकता हूं 30 से 35 मार्क्स का एग्जाम में आता है। मतलब कुछ ऐसे चैप्टर जिनके अंदर कोई टेक्निकलिटी नहीं है, मतलब बोलना चाहिए कि इनके अंदर ऑडिट नाम की चीज भी देखने को शायद नहीं मिलेगी, और उन चैप्टर्स में से आपको लगभग 30 से 35 का पूछा जाता है। अब 30 से 35 का अगर पूछा जाए तो अगर हमने यहां पे 25 स्कोर कर लिए और ये 30 to 35 मार्क्स स्कोर करना आसान है, तो 55 से 60 नंबर तो आपका आसानी से यहां पर ऑडिट में क्या किया जा सकता है, स्कोर किया जा सकता है। इसके अलावा बचता है वो 40 मार्क्स। वो 40 मार्क्स के लिए आपको हल्का सा टेक्निकल ज्ञान जो है ना वो करना जरूरी होता है। तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो पेपर है ना बहुत इजी पेपर होने वाला है, और ये जो पेपर है अगर इसमें आपने दिल लगा करके मेरे चैप्टर मेरे लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो करके घर पे अच्छे से पढ़ाई किया और मेरा दिया हुआ क्वेश्चन बैंक आपने फॉलो किया, 60 प्लस कहीं नहीं जा रहा। ये मेरी गारंटी है, फर्स्ट ऑफ द क्लास में मैं आपको बोलूं 60 प्लस कहीं नहीं जा रहा अगर आपने क्वेश्चन बैंक और मेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ अगर आपने काम किया तो। चलिए, तो आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको पता चलते जाएगा कि सब्जेक्ट कितना 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 इजी है। हो सकता है आपके जो भी सीनियर्स होंगे उन्होंने शायद ऐसा बोला होगा कि ऑडिट तो बहुत ही थ्योरी है, ऑडिट तो बहुत ही ड्राई सब्जेक्ट है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इससे ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपको पढ़ने के लिए अपनी सीए जर्नी में नहीं मिलेगा। और मैं इसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट क्यों बोलता हूं, क्योंकि यही सब्जेक्ट है जिसको आपको जीना है। अगर आप सीए बनने जा रहे हैं तो सीए बनने के लिए आप सीए बन तो जाएंगे, लेकिन सीए बनने के बाद आप करेंगे क्या, तो एक्चुअली में सीए बनने के बाद आप ऑडिटिंग ही करने वाले हैं। तो इसीलिए ये बोलना कि ये सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा ड्राई है, ये सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा थ्योरेटिकल है, तो ये है ही नहीं, क्योंकि यही सब्जेक्ट के साथ आप जीने वाले हैं दोस्तों। तो छोटे मोटे मिथ्स जो कि आपके दिमाग में स्टार्टिंग ऑफ द सब्जेक्ट में रहते हैं, मैं आपके वो मिथ्स को अलग करने की कोशिश कर रहा हूं, और इसी के साथ साथ मैं चालू कर रहा हूं अपना लेक्चर दोस्तों, और हम बातें करने वाले हैं सब्जेक्ट की। और सब्जेक्ट का नाम क्या जल्दी बताएंगे दोस्तों, ऑडिट। चलिए, जितने भी बच्चे मेरे साथ लाइव ऑनलाइन जुड़े हुए हैं दोस्तों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपको भी अपने घर पे चीखना है चिल्लाना है, मेरी एनर्जी के साथ आपको रहना है दोस्तों। घर वालों को लगना चाहिए कि बच्चा कैमरे में बैठ करके पढ़ाई वाकई में कर रहा है, तो घर वालों को हिला दो दोस्तों, ठीक है, मस्त अच्छे तरीके से एनर्जेटिक तरीके से अपन को पढ़ना है। चलो आ जाइए दोस्तों, ऑडिट की बात अपन करने जा रहे हैं। तो ऑडिट का बेसिक मतलब क्या होता है, तो दोस्तों ऑडिट का बेसिक मतलब जो होता है दोस्तों वो होता है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना। क्या करना जल्दी बोलो, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना। किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। कोई भी पूछे भाई ये ऑडिट करने का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे ऑडिट करने का मतलब होता है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना। किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। अच्छा फटाफट बताओ मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फटाफट बताओ, बोलो जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड, ऑनलाइन बच्चों में कौन बताएगा जल्दी से बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जल्दी बताओ कोई तो बोलो।
चलिए, तो अगर हम बात करें दोस्तों क्या क्या होता है, ट्रेडिंग होता है, पीएनएल होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स होते हैं, और क्या होता है दोस्तों, बैलेंस शीट होती है, साथ ही साथ जो नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं इन्हें अपन क्या बोलते हैं बताइए दोस्तों, डेट इज हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वेरी गुड। तो ऑडिट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ऑडिट का बेसिक मतलब क्या होता है, ऑडिट का बेसिक मतलब होता है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना, किसकी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। किसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो बोला जाता है भाई किसी के भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ऑफ एनी एंटिटी। किसकी दोस्तों, ऑफ एनी एंटिटी। सर पक्की बात है, जो प्रॉफिट कमाते होंगे उन्हीं का ही होता होगा। आंसर इज नो बेटा, वेदर दे आर प्रॉफिट मेकिंग और नॉट, क्या बोलेंगे, वेदर दे आर प्रॉफिट मेकिंग और नॉट। तो कोई भी पूछे भाई व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिटिंग, तो ऑडिटिंग का मतलब क्या हो जाता है, इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी एंटिटी, वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉट। सर क्यों कर रहे हैं अपन ऑडिट, सर वैसे भी भाई अगर देखा जाए तो आज नाहटा क्लासेस जो है वो एक बिजनेस है, वो एक एंटिटी है, वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है, सर उसे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन कराने की क्या जरूरत है। बड़ा सवाल तो यही है ना, आखिर इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन क्यों कराया जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, कोई बता सकता है क्यों कराया जाए। वेरी गुड वेरी गुड, और बताओ क्यों कराया जाए, कौन बता सकता है, बोलिए क्यों ऐसा हो रहा है कि नाहटा क्लासेस अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है और उसे किसी सीए से चेक करा रही है, ऐसा क्यों, आखिर क्यों, कोई बोलना चाहेगा, सभी अनम्यूट कर सकते हैं ना अपने आप को कि नहीं कर सकते हो, हाँ कर तो सकते हैं, चलो जल्दी से बताओ क्यों, ऐसा क्यों, ओके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ओके और क्यों, आज मुझे बताइए क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कारण बहुत सारे लोगों को मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कारण कुछ डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। यस, जैसे कि भाई मोदी जी को ये देखना है कि नाहटा जी ने टैक्स सही पे किया है कि नहीं किया, मेरे एम्प्लॉइज को ये चेक करना है कि उन्हें सैलरी जो है वो सही मिली है या नहीं मिली है, भाई मेरे क्रेडिटर्स को ये देखना है नाहटा जी की क्रेडिट वर्दीनेस है या नहीं है। मतलब आज अगर देखा जाए तो मेरी एक अकेले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसका इम्पैक्ट या उसके मदद से बहुत सारे लोग क्या लेते हैं दोस्तों, डिसीजन लेते हैं, तो उनका डिसीजन जो है वो सही होना चाहिए, उन्हें लगना चाहिए कि हाँ हमने सही डिसीजन लिया, इसी के लिए वो क्या करेंगे दोस्तों, वो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेंगे और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरी सही होनी चाहिए, इसीलिए उसका क्या होता है दोस्तों, एग्जामिनेशन होता है, और एग्जामिन करके जो ऑडिटर है वो क्या देता है, ओपिनियन, क्या देता है, ओपिनियन। वेरी गुड दोस्तों, तो वो एक्सप्रेस करता है, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस व्हाट दोस्तों, ओपिनियन, ओपिनियन किस पे, ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू, ओपिनियन किस पे दोस्तों, ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू। अब यहां पर सबसे अच्छी बात देखने के लिए क्या है दोस्तों, यहां पर क्या वर्ड दिया है, ओपिनियन, दूसरा वर्ड क्या दिया है, ट्रू एंड फेयर व्यू। तो पहली चीज दोस्तों, अगर ओपिनियन की बात किया जाए तो व्हाट डू यू मीन बाय ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब हो जाता है दोस्तों कि हम क्या दे रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि आपकी फाइनेंशियल सही है, हमें ऐसा लग रहा है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इसकी क्या दे रहे हैं, राय दे रहे हैं। अरे सर जब चेकिंग कर रहे हो तो राय क्यों दे रहे हो, सीधा बोलने का ना एकदम डंके की चोट पे कि ये सही है ये गलत है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि हम यहाँ पर ओपिनियन देंगे, हम यहाँ पे राय देंगे, ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए दोस्तों क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने वाला कौन है, बिजनेसमैन, उसे चेक करने वाला कौन है, सीए। क्या आप मुझे बताइए क्या बिजनेसमैन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते समय कुछ गड़बड़ियां कर सकता है, बोलो ये सुनो, बिल्कुल कर सकता है। सर कैसे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे इनकम आई, मैंने नोट ही नहीं किया, मैंने एक्सपेंसेस किया लेकिन उसको बताया ही नहीं, अब मैं ऐसा गड़बड़ काम कर सकता हूं, और अगर मैंने ऐसे गड़बड़ काम किया तो भाई ये तो गलत हो जाएगा। अच्छा, इसकी इंफॉर्मेशन सीए को मिल जाए जरूरी नहीं है, आज मेरे पास पांच बच्चे आए, पांचों ने मुझे क्या दिया, कैश दिया, 50,000 मेरी फीस है, 2,50,000 रुपए मेरे पास आए, ठीक है, कैश 2,50,000 रुपए आए, मैंने अपनी जेब में डाल दिया, मैंने उसके लिए कोई रिसिप्ट नहीं फाड़ा, मैंने उसके लिए कोई भी प्रकार की बैलेंस शीट ट्रेडिंग पीएनएल में कोई एंट्री नहीं किया, अब मुझे बताइए क्या 2,50,000 रुपए मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बाहर है, यस, क्या इस पर मैंने टैक्स दिया होगा, नो, क्या मैंने इस पर प्रॉफिट दिखाया, नो, तो ऑब्वियसली बात है ना, आज अगर बोलते भाई सीए डंके की चोट पे कि भाई इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ नहीं है,
तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा अमाउंट मैंने हो सकता है क्या किया होगा, उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बाहर रखा होगा। तो इसीलिए यहां पर आईसीएआई ने बोला, नहीं भैया, हमारा जो सीए है वो डंके की चोट पे काम नहीं कर पाएगा, हमारा सीए सिर्फ क्या दे पाएगा, ओपिनियन दे पाएगा। और ये जो ओपिनियन देगा, ये ओपिनियन किस पर देगा, ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू। किस पर ओपिनियन देने वाला है बताइए, ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू। सर, व्हाट इज दिस ट्रू एंड फेयर व्यू? ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब हो जाता है दोस्तों, दैट इज नोन एज पॉलिसीज, दूसरा हो जाता है रेगुलेशंस, तीसरा हो जाता है डिस्क्लोजर्स। क्या क्या है बताइए दोस्तों, पॉलिसीज, रेगुलेशंस एंड डिस्क्लोजर्स। पॉलिसी जो भी होनी चाहिए दोस्तों, वो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए और कंसिस्टेंट होनी चाहिए, एक्सेप्टेबल होनी चाहिए और कंसिस्टेंट होनी चाहिए। रेगुलेशन में बोला गया दोस्तों इंटरनल एंड एक्सटर्नल, क्या बोला गया, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। और डिस्क्लोजर में बोला गया दोस्तों ऑल एंड मटीरियल, क्या बोला गया, ऑल एंड मटीरियल। तो जो भी पॉलिसीज होनी चाहिए वो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए। सर, ये पॉलिसीज क्या होती हैं? अरे मुझे बताओ, तुमने डेप्रिसिएशन पढ़ा है क्या? चलो ऑनलाइन वाले बच्चे कम से कम चैट में तो बोलो, रे क्या कर रहे हो, थोड़ा तो माहौल बनाओ क्लास का, जल्दी बताइए डेप्रिसिएशन पढ़ा है क्या? यस, वेरी गुड। अब डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें तो उसके दो मेथड होते हैं, एक होता है SLM मेथड और एक होता है, एक और कौन सा होता है, मैं भूल गया, जल्दी बताओ। वेरी गुड, रिटेन डाउन वैल्यू, WDV मेथड। तो भाई SLM मेथड होता है, WDV मेथड होता है। अब ऐसा हो सकता है कि भाई मैंने क्या किया, अपने घर पे बना लिया SLWD, क्या बना लिया, SLWD अपने घर पे बना लिया, उससे मैं क्या कर रहा हूं, डेप्रिसिएशन कर रहा हूं। क्या ये सही है कि गलत है? गलत है, ऑब्वियस ही बात है। या फिर मैं ऐसा करूं, एक साल WDV करूं, दो साल SLM करता हूं, एक साल WDV करता हूं, दो साल SLM करता हूं, क्या ये सही है क्या? नहीं, ये भी क्या है, गलत हो जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर ऐसी कोई मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी होगी जिसमें पॉलिसीज एक्सेप्टेबल नहीं है, जिसमें पॉलिसीज कंसिस्टेंट नहीं है, आप बोलोगे भैया इट इज नॉट शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू। समझ में आ गया, पक्का? आज अपन कंपनीज एक्ट में जानते हैं कि कंपनीज एक्ट कंपनीज को मैनेज करता है। अच्छा, कंपनीज के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंपनी एक्ट के अलावा एक और किताब है जो मैनेज करती है, याद है आपको, अपन ने पढ़ा बचपन में, AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या करता है दोस्तों, ये भी हमारी कंपनीज के इंटरनल अफेयर्स को मैनेज करता है। आज ऑडिटर को यह भी देखना जरूरी है कि जो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन है और जो एक्सटर्नल रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो दोनों सही तरीके से फॉलो किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं। तो ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, वो किस में आएगा, रेगुलेशंस में। अच्छा, डिस्क्लोजर सारे और मटेरियल, डिस्क्लोजर डिस्क्लोज हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ये ऑडिटर को देखना है। अगर इनमें से, अगर मान लीजिए पॉलिसी में कुछ गड़बड़ हुआ, रेगुलेशन में कुछ गड़बड़ हुआ, डिस्क्लोजर में कुछ गड़बड़ हुआ, तो हम ये बोल सकते हैं इट इज नॉट शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू। तो ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए तीनों चीजें होनी चाहिए, कौन कौन सी तीन चीज बोलो, PRD, पी स्टैंड्स फॉर पॉलिसीज, आर फॉर रेगुलेशन, डी फॉर डिस्क्लोजर्स। बोलिए दोस्तों, थम्स अप करके बताइए, क्या यहां तक की चीजें समझ में आई? बोलो, एम में मतलब स्टैंड्स फॉर ऑल एंड एम स्टैंड्स फॉर मटेरियल, ठीक है? मटेरियल का मतलब क्या हो जाता है? वेरी गुड, जो जरूरी होता है, मटेरियल मतलब जो जरूरी है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उसे अपन क्या बोलते हैं, मटेरियल। चलिए, तो कहीं ना कहीं दोस्तों, अगर अब आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट, तो जल्दी से जवाब देंगे, इट इज व्हाट दोस्तों, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी एंटिटी, वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉट, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू। चलिए दोस्तों, अच्छा अभी ऑडिट है, ऑडिट करता कौन है बोलो? ऑडिटर, कौन कहता है, ऑडिटर। और ऑडिटर का क्या होना जरूरी है, CA, हैविंग व्हाट दोस्तों, COP, क्या होना जरूरी है, CA, हैविंग व्हाट दोस्तों, COP, व्हाट इज COP, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। यहां तक समझ में आया, फिक्स है दोस्तों, बोलो यस और नो। चलिए, अब अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ध्यान से समझना, ऑडिट होते तो बहुत सारे प्रकार के हैं, लेकिन मैं आपको मेनली बात करूंगा दो प्रकार के ऑडिट के बारे में। एक होता है जिसे अपन बोलते हैं इंटरनल ऑडिट, और एक होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑडिट। ओके, व्हाट इज इंटरनल ऑडिट? इंटरनल ऑडिट मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठ करके किया जाने वाला ऑडिट। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किया जाने वाला ऑडिट मतलब सर कैसा ऑडिट होगा? इसके लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना होगा। आज अगर मैं बात करूं दोस्तों,
फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट. यू नो देर आर थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. कौन कौन से तीन लेवल होते बताइए दोस्तों. टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल. क्या बात है बेटा, बहुत सारे बच्चे चैटिंग में जवाब भी दे रहे हैं. चलिए अगर हम बात करें दोस्तों टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल. अब टॉप लेवल में कौन बैठता है? मुकेश भैया. मिडिल लेवल में मैनेजमेंट बैठता है और लोअर लेवल पे एम्प्लॉयज बैठते हैं. अच्छा, टॉप लेवल का जो आदमी है ना उसकी सोच ना आज की नहीं है, उसकी सोच है आज से 5 साल बाद क्या करना है. मुकेश अंबानी जो इतना पैसा कमा रहा है वो आज के लिए नहीं कमा रहा है, आज के आगे वो 5 साल बाद वो देखना चाहता है फ्यूचर में मुझे ये करना है. तो ये जो टॉप लेवल का आदमी है ना ये तो दिन रात लगा हुआ है किस पे? काम करने पे. भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है बस. इसने अपनी पूरी की पूरी कंपनी किसके भरोसे छोड़ दी है? मिडिल और लोअर के नाम पर छोड़ दी एक तरीके से. अब टॉप लेवल का आदमी मैं बोलता हूं चलो करप्ट आदमी होगा, ये शेयर होल्डर के पैसों के साथ खेलेगा, ये गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देगा, तो ये तो है गंदा आदमी टॉप मैनेजमेंट. लेकिन क्या कभी टॉप मैनेजमेंट ये चाहेगा कि मिडिल और लोअर इनके साथ कुछ गड़बड़ी करें? आंसर इज नो. भाई टॉप लेवल गंदा आदमी है, वो बोल रहा है भैया ठीक है वो भाई जैसे तैसे मैनेज कर रहा है, लेकिन वो कभी ये नहीं चाहेगा कि मिडिल लेवल का आदमी और लोअर लेवल का आदमी उसके साथ क्या करे, कुछ गड़बड़ करे. तो इसके लिए जो टॉप लेवल का आदमी है वो क्या करता है पता है? वो रखता है एक इंटरनल ऑडिटर. वही रखता है. कौन रखता है? टॉप लेवल का आदमी. और वो ये इंटरनल ऑडिटर से पता है क्या बोलता है? तुम चेक करो मिडिल लेवल और लोअर लेवल को. तुम चेक करो किसको? मिडिल लेवल और लोअर लेवल को. आज कहीं मिडिल लेवल जो है वो कहीं मेरी एसेट्स के साथ गलत काम तो नहीं कर रहा है? आज देखो भाई मेरी एसेट्स वगैरह सेफगार्ड रहनी चाहिए. क्या रहनी चाहिए भैया? तो ये सेफगार्ड. ठीक है, क्या रहनी चाहिए? मेरी एसेट्स. ठीक है, तो ये चेक करने का काम कौन करता है बताइए? हमारा इंटरनल ऑडिटर. इसके अलावा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बोले गए हैं क्या वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, जिसे अपन बोलते हैं एडरेंस टू मैनेजमेंट पॉलिसी. क्या मैनेजमेंट जो है वो पॉलिसीज को फॉलो कर रही है कि नहीं, लोअर लेवल मैनेजमेंट पॉलिसी को फॉलो कर रही है कि नहीं, इसे बोलते हैं एडरेंस टू मैनेजमेंट पॉलिसी. इसके अलावा अकाउंट्स वगैरह बनाने का काम नो डाउट बिजनेस हाउस का होता है, लेकिन बिजनेस हाउस अब खुद तो बना नहीं पाएगा. आज भाई अकाउंट्स के अंतर्गत कितने सारे क्या आ गए, चेंजेस आ गए. आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही देख रहे हैं, IFRS देख रहे हैं, NDAs देख रहे हैं, इतना नॉलेज तो नहीं है भैया. तो इसके लिए अकाउंटिंग करने का काम भी किसका है? इंटरनल ऑडिटर का. तो इंटरनल ऑडिटर को कितने कामों के लिए रखा गया बताइए? 3 कामों के लिए. पहला काम हो गया हमारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रिलेटेड, तो कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड. क्या बोलोगे बताइए? कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड. दूसरा इसको रखा गया काई के लिए? सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स के लिए. किसके लिए रखा गया? सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स के लिए. और तीसरा रखा गया एडरेंस टू मैनेजमेंट पॉलिसी, कि मैनेजमेंट की आप क्या पॉलिसीज को देखो कि क्या इन लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. ये मेन काम किसका है? ये मेन काम है इंटरनल ऑडिटर का. किसका है बताइए? इंटरनल ऑडिटर का. तो ये जो मैंने आपको सिखाया था अभी ऊपर कि सिर्फ क्या करना है, चेक करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और ओपिनियन देना है, ये काम किसका है? ये काम है एक्सटर्नल ऑडिटर का. किसका काम है? एक्सटर्नल ऑडिटर का. मतलब मैंने जो बातें बताई थी आपको पहले वो बताई थी एक्सटर्नल ऑडिटर के बारे में, और अब जो मैंने आपको बातें बताई है वो किसके बारे में बताइए? इंटरनल ऑडिटर के बारे में. इंटरनल ऑडिटर कौन बंदा होता है? इंटरनल ऑडिटर वो बंदा होता है दोस्तों जो मैनेजमेंट का आदमी है, मैनेजमेंट के द्वारा अपॉइंट हुआ है, और उसके 3 मेन काम है: कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स एंड एडरेंस टू मैनेजमेंट पॉलिसी. ये काम किसका है? इंटरनल ऑडिटर का है. तो एक्सटर्नल ऑडिटर का क्या काम है? सिर्फ ओपिनियन देना. किस पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे. मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने का काम है एक्सटर्नल ऑडिटर का. तो बनाने का काम किसका है? इंटरनल ऑडिटर का है. समझ में आया कि नहीं? पक्का? अब इंटरनल ऑडिटर जो है वो आपको किसका बंदा साउंड हो रहा है? किसके द्वारा अपॉइंट किया गया? कंपनी, मैनेजमेंट. तो ऑब्वियस सी बात है वो किसका बंदा है? मैनेजमेंट का बंदा है. और अगर वो मैनेजमेंट का बंदा है इसीलिए वो इंडिपेंडेंट होगा कि नहीं होगा?
नहीं होगा। और इसीलिए यहां पर अगर आप फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे तो मैंने क्या बताया, इट एज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। तो एक्सटर्नल ऑडिटर जो होता है वो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करता है, इंटरनल ऑडिटर जो होता है दोस्तों वो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन नहीं कर सकता, इनफैक्ट वो एग्जामिनेशन करता ही नहीं है, वो किसका बंदा होता है, मैनेजमेंट का बंदा होता है। बोलो आ रही बात समझ में, फिक्स है पक्का अच्छे से। चलो अब अगर आप आएंगे दोस्तों नोट्स में, अगर आपके पास नोट्स होंगे तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन आपको देखने के लिए मिलेगा। आ जाओ यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन में आपको एक देखने के लिए मिलेगा, इंटरनल ऑडिट वर्सेस एक्सटर्नल ऑडिट आपको देखने के लिए मिलेगा, और उसी के ही आसपास आपको इंटरनल ऑडिटर वर्सेज एक्सटर्नल ऑडिटर देखने के लिए मिलेगा। आइए इसे पढ़ते हैं, ग्रास्प करते हैं क्या लिखा हुआ है। इंटरनल ऑडिट अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन अपॉइंट करता है बताइए दोस्तों, मैनेजमेंट करता है। एक्सटर्नल ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, ओनर्स, जिसे अपन क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स। बचपन में आपने क्या कंपनी लॉ पढ़ा है, यस, उस बचपन में आपने क्या एजीएम पढ़ा है, एजीएम में होने वाले कुछ ऑर्डिनरी बिजनेस याद है क्या बताइए। उस एजीएम में चार काम हमारे ऑर्डिनरी बिजनेस के थे, कौन कौन से, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, उसके बाद फिर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एंड अडॉप्शन ऑफ दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसके अंतर्गत एक चीज है ना अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, तो आपको यहीं से पकड़ लेना चाहिए कि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, एजीएम में शेयर होल्डर्स करते हैं। ओके, इसका स्कोप अगर हम बात करें इंटरनल ऑडिटर का, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी बताएगा, इसका लॉ बताता है, ये क्या क्या करता है, ये कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स देखता है, एडहेरेंस टू मैनेजमेंट पॉलिसी देखता है, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स देखता है। एक्सटर्नल ऑडिटर क्या करता है, सफिशिएंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करता है ताकि ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर सके। इंडिपेंडेंस की बात की जाए तो इट इज कंसिडर्ड लेस इंडिपेंडेंट, और यहाँ पर क्या है दोस्तों, होली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, एक्सटर्नल को होली इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम बात करें, एक्सटर्नल की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही है दोस्तों, क्या करना, ओपिनियन एक्सप्रेस करना, क्या है उसका काम, ओपिनियन एक्सप्रेस करना। लेकिन इंटरनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप देखोगे तो अकाउंटिंग हो गया, फाइनेंशियल हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, हर कंट्रोल करना है। अकाउंटिंग कैसे, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड, फाइनेंशियल कैसे, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स, और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कैसे, दैट इज एडहेरेंस टू मैनेजमेंट पॉलिसी। इंटरनल आदमी किसका है, मैनेजमेंट का, तो रिपोर्ट भी किसको देगा, मैनेजमेंट को। एक्सटर्नल किसको रिपोर्ट देगा, शेयर होल्डर को। इसके लिए नो फॉर्मेट इज प्रिस्क्राइब्ड इंटरनल के लिए, बट एक्सटर्नल के लिए द फॉर्मेट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। बोलिए दोस्तों क्या ये बात समझ में आ गई, फिक्स है, तो ये हमने देखा है कौन चीज कौन किसको, हाँ ओके। क्वेश्चन आया कि सर यहां पर लिखा कंसिडर्ड लेस इंडिपेंडेंस, तो हम कैसे ऐसा बोल सकते हैं, ही इज टोटली नॉट इंडिपेंडेंट। देखिए टोटली नॉट इंडिपेंडेंट तो बोलना कंसिडरेबली किसी भी इंसान के लिए गलत है, क्योंकि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिपेंडेंस सबको है, तो किसी को कम है किसी को ज्यादा है। लेकिन आप ये बोलना कि नहीं ये तो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट नहीं है, तो आप तो गुलामी वाली बात कर रहे हैं, जो कि नॉर्मली गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके अलावा बताइए कोई डाउट है क्या दोस्तों, इसके अलावा बोलो यस नो, जल्दी चैट बॉक्स में लिखेंगे नो, क्या बात है, चलो ग्रेट। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको टाइप्स ऑफ ऑडिटर दिखेगा दोस्तों, यहां पर एक दिख रहा है एक्सटर्नल ऑडिटर और एक दिख रहा है इंटरनल ऑडिटर। एक्सटर्नल ऑडिटर ऑल्सो नोन एज स्टैचुटरी ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर, बट इंटरनल ऑडिटर जो है वो किसके द्वारा अपॉइंटेड होता है, मैनेजमेंट। स्कोप ऑफ वर्क एक्सटर्नल का कौन बताता है, लॉ, इसका कौन बताएगा, मैनेजमेंट। एक्सटर्नल जो है वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड होता है, बाकायदा सी ए होता है, वरना वो साइन नहीं कर सकता। सर इंटरनल, इंटरनल का सी ए होना जरूरी नहीं है, अरे मैनेजमेंट को जम गए भाई, तुम सी ए इंटर पास हो, मैनेजमेंट को समझ गया कि सी ए फाइनल चलो नहीं निकाला है, बट इसके अंदर दिमाग बहुत है, ठीक है, ये बंदा मेरे लायक है तो वो मैनेजमेंट आपको रख लेगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरा एक फ्रेंड है सी ए इंटर पढ़ा है, टीवीएस कंपनी में इंटरनल ऑडिटर है, अभी का पैकेज 1.5 से 2 लाख के आसपास है, दुबई में काम कर रहा है। तो आप समझिए वो इंडिया में नागपुर में ज्वाइन किया, नागपुर से बैंगलोर गया, बैंगलोर से फिर नीचे गए साउथ में थोड़े दिन रहा, और उसके बाद फिर सीधा दुबई निकल गया बेटा वो। तो अगर हम बात करें तो भाई अभी वो सीए इंटर बस पास है, फिर भी ये कर पा रहा है, क्यों, क्योंकि भाई उन कंपनी को इंटरनल ऑडिटर के लिए कोई जरूरत नहीं है। ओके, इंडिपेंडेंस की बात की जाए तो ये इंडिपेंडेंट होता है, एक्सटर्नल ये
इंडिपेंडेंट उतने नहीं होते, लेस इंडिपेंडेंट है। ऑडिट रिपोर्ट इज टू बी सबमिटेड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। एक्सटर्नल के केस में उसका एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट के बाजू में लिख लो दोस्तों SA 700। सर ये क्या लिखवा दिया आपने दोस्तों? कभी आपने AS सुना है क्या? AS बोलो, नलायको सुना ही होगा। AS ए लिखो, कुछ तो लिखो, ऐसा मत करो मेरे साथ। व्हाट डू यू मीन बाय AS? AS का फुल फॉर्म बताओ। चलो बताएंगे AS का फुल फॉर्म। चलो वेरी गुड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वेरी गुड। अगर अपन बात करें दोस्तों तो जैसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो अकाउंट्स में यूज होता है, वैसे SA है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये किस में यूज होगा बताइए? ऑडिट में यूज होगा, सो सिंपल। तो इसके लिए अगर हम बात करें एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए क्या है, SA 700 है। एक्सटर्नल ऑडिटर का क्या हो जाता है, फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है, बट इंटरनल ऑडिटर में नो फॉर्मेट इज प्रिस्क्राइब फॉर द ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा, एक्सटर्नल ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट किसको देनी पड़ती है? शेयर होल्डर को। इंटरनल ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको देता है? मैनेजमेंट को। सिंपल इनफ, पक्का? तो अपन ने ऑडिट की डेफिनेशन पढ़ ली, इंटरनल ऑडिट क्या होता है, एक्सटर्नल ऑडिट क्या होता है ये पढ़ लिया, इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर के बारे में अपन ने पढ़ लिया है। चलिए अब क्योंकि बातें अपनी किसकी चल रही हैं, ऑडिटर से ही रिलेटेड चल रही हैं, तो आइए थोड़ी सी बातें अपन ऑडिटर से ही रिलेटेड पढ़ लेते हैं। आइए दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो भाई अब जितना भी मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके अंतर्गत इंटरनल ऑडिटर की बातें बहुत कम होगी। हम यहां पर बेसिकली किसके बारे में पढ़ेंगे? एक्सटर्नल ऑडिटर के बारे में। इंटरनल ऑडिटर रिलेटेड बातें हमारी क्या होगी दोस्तों? बहुत ही कम होगी। समझ में आ गया दोस्तों? पक्का? चलो अब बात करते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर की। तो एक्सटर्नल ऑडिटर जो है इसके बारे में अब अपन बात करेंगे इनकी क्वालिटीज के बारे में। किसके बारे में? इनकी क्वालिटीज के बारे में। दो प्रकार की क्वालिटी होती है बेटा एक्सटर्नल ऑडिटर में। एक क्वालिटी को अपन बोलते हैं टेक्निकल क्वालिटी और एक क्वालिटी को अपन बोलते हैं पर्सनल क्वालिटी। बोलो कौन कौन सी क्वालिटी है? टेक्निकल क्वालिटी और पर्सनल क्वालिटी। टेक्निकल क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत हम बेसिकली लिखेंगे सब्जेक्ट्स के नाम। किसके नाम लिखने वाले हैं दोस्तों? सब्जेक्ट्स के नाम लिखने वाले। सब्जेक्ट्स के नाम जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें लॉ, ऑडिट, अकाउंटिंग, टैक्स, कॉस्ट, इन सबका क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। तो इनका आपके पास नॉलेज होना चाहिए, इसे अपन कौन सा बोल सकते हैं? टेक्निकल क्वालिटी। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट विच क्वालिटी दोस्तों? पर्सनल क्वालिटी। पर्सनल क्वालिटी की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो पर्सनल क्वालिटी में हमारे बीच में अलग अलग क्वालिटीज हैं ऑडिटर की। जैसे कि दोस्तों पहली क्वालिटी एक ऑडिटर से एक्सपेक्ट की जाती है, दैट इज नोन एज इंटीग्रिटी। क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? इंटीग्रिटी। सर व्हाट इज इंटीग्रिटी? इंटीग्रिटी का मतलब हो जाता है दोस्तों ईमानदारी। किसी भी ऑडिटर ने जब काम करना है तो बहुत ही ईमानदारी के साथ क्या करना है, उसको काम करना है। तो पहला क्या हो गया दोस्तों? इंटीग्रिटी। दूसरा पॉइंट क्या हो गया दोस्तों? ऑब्जेक्टिविटी। क्या पॉइंट है? ऑब्जेक्टिविटी। सर व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी? उसे ऑब्जेक्ट के प्रति, अपने गोल के प्रति कैसा रहना है, एकदम एकदम ही बोलना चाहिए, एकदम ही सिंसियर रहना है। ठीक है कि भाई उसका जो गोल है, उसको जो काम करना है वो उस काम को करे, दैट इज नोन एज व्हाट? ऑब्जेक्टिविटी। फिर नेक्स्ट वर्ड बोला गया दोस्तों, दैट इज नोन एज व्हाट दोस्तों? कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, दैट इज नोन एज कॉन्फिडेंशियलिटी। ये कॉन्फिडेंशियलिटी को अपन बाद में लिख लेंगे। ठीक है, अभी एक नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, दैट इज नोन एज कम्युनिकेशन स्किल्स। क्या होना जरूरी है ऑडिटर के अंदर? कम्युनिकेशन स्किल्स। व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल्स दोस्तों? बात करने की कला। ऑब्वियसली बात है, आज रिटन भी उन्हें कम्युनिकेट करना होगा, ओरली भी कम्युनिकेट करना होगा, ऐसे में इन्हें क्या वर्ड्स को चूज करना है, कैसे अपनी बात को प्रेजेंट करना है, ये कम्युनिकेशन स्किल्स इनको आने चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों जिसे अपन बोलते हैं भाई, इनके अंतर्गत होना चाहिए प्रोफेशनल स्किल्स। प्रोफेशनल स्किल्स, दे हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल। ठीक है भाई, डिसिप्लिन तरीके से काम करना, आना जाना, ठीक है, अच्छे से वर्क को मैनेज करना, वर्क पेपर्स को मैनेज करना। कल के दिन अगर कोई भी आपसे कुछ पूछे तो ऐसे हैफजर्ड तरीके से काम नहीं करो, काफी प्लान्ड तरीके से काम करना, ऐसे आपका होना चाहिए प्रोफेशनल स्किल्स। नेक्स्ट बोला गया भाई आपका होना चाहिए प्रोफेशनल जजमेंट।
सो व्हाट इज दिस प्रोफेशनल जजमेंट? प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब हो जाता है थोड़ा सोच समझ करके, विचार करके, अपने एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए आपको फैसले लेने, और जो भी आप फैसले लेंगे वो ऐसे फैसले लीजिएगा जो कि आपके मंजिल को पाने में आपकी मदद करें. दैट इज नोन एज प्रोफेशनल जजमेंट. फिर होना जरूरी आपके पास क्या दोस्तों? नॉलेज. अरे नॉलेज तो क्या नॉलेज? अपडेटेड नॉलेज. कैसा नॉलेज दोस्तों? अपडेटेड नॉलेज. नेक्स्ट थिंग बोला गया है दोस्तों क्या? इंडिपेंडेंस. क्या बोला गया है? इंडिपेंडेंस. ओके, इंडिपेंडेंस की अगर मैं बात करूं तो इंडिपेंडेंस दो प्रकार की है. एक है इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस बाय अपीयरेंस. दो प्रकार की इंडिपेंडेंस है, एक है इंडिपेंडेंस बाय माइंड और एक है इंडिपेंडेंस बाय अपीयरेंस. सो व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंस बाय अपीयरेंस? इंडिपेंडेंस बाय अपीयरेंस मतलब मैं दिख रहा हूं इंडिपेंडेंट. मैं दिख कैसा रहा हूं बोलो? इंडिपेंडेंट. एग्जाम्पल, आज आप मुझे बताइए क्या मैं अपने पापा की कंपनी को ऑडिट कर सकता हूं? क्या बोलो? क्या मैं अपने पापा की कंपनी को ऑडिट कर लूं? कोई दिक्कत है क्या? नहीं कर सकता. नहीं. क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो पापा की कंपनी है, मैं बेटा हूं. पापा ने अगर अकाउंटिंग में गड़बड़ी की होगी तो जो बेटा चार्टर्ड है वो अपने पापा की गलतियां थोड़ी ना निकालेगा, वो तो साइन करके दे देगा. तो आई विल नॉट बी इंडिपेंडेंट बाय अपीयरेंस. तो मेरे पास अगर वो इंडिपेंडेंस वाली क्वालिटी नहीं है तो मैं क्या नहीं बन सकता? उसका ऑडिटर नहीं बन सकता. या फिर दूसरा, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड. क्या बोला है दोस्तों? दूसरा, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड. व्हाट इज इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड? That is, मन से इंडिपेंडेंट होना जरूरी है. कई बार मेरा और आपका अपियरेंस से इंडिपेंडेंस दिखते हैं लेकिन मन से हम इंडिपेंडेंट नहीं होते. सर मतलब सिंपल सी बात है. फॉर example, आपका नाम मनस्वी. मान लीजिए भाई मनस्वी जो है वो भाई मेरी स्टूडेंट है, आज CA बन गई है, और मनस्वी जो है उन्हें मैंने बोला आपको नाहटा क्लासेस का ऑडिट करना है. अब अगर मैं और मनस्वी साथ में खड़े हैं तो आपको तो कुछ पता ही नहीं चलेगा क्योंकि हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है. ठीक है, किसी प्रकार का हमारे बीच में रिश्ता नहीं है. तो अगर देखा जाए तो शी विल बी इंडिपेंडेंट बाय अपीयरेंस. ठीक है, आज मनस्वी कहीं से भी कोई रिलेशन में मेरे साथ नहीं आती है, किसी प्रकार का फैमिली टर्म्स नहीं है, तो देखा जाए तो मनस्वी इंडिपेंडेंट है, मैं इंडिपेंडेंट हूं. लेकिन अगर माइंड वाइज चेकआउट किया जाए तो क्योंकि ये मेरी स्टूडेंट रह चुकी है 4 साल पहले, तो आज जैसा सर बोलेंगे वैसा स्टूडेंट करेगा. तो देखने में तो हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है. बाय अपीयरेंस शी इज व्हाट दोस्तों? इंडिपेंडेंट. बट बाय माइंड शी इज नॉट इंडिपेंडेंट. लेकिन यहां पर आपको इंडिपेंडेंट दोनों से होना है. दोनों से मतलब बाय माइंड भी और बाय अपीयरेंस भी. बोलो आया समझ में? ओके, नेक्स्ट क्या है दोस्तों यहां पे? कॉन्फिडेंशियलिटी. सो व्हाट इज दिस कॉन्फिडेंशियलिटी? कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है दोस्तों राज को राज ही रहने दो. भाई जो सीक्रेट्स हैं किसके? बिजनेस हाउस के, क्लाइंट्स के, वो सीक्रेट आप किसी को लीक नहीं करेंगे. दैट इज आपको क्या मेंटेन करके रखनी पड़ेगी? कॉन्फिडेंशियलिटी. राज को आपको क्या रखना पड़ेगा? राज ही रखना पड़ेगा. ठीक है, तो आपके अंदर ये वाली चीज होनी चाहिए. अगर ये वाला आपके अंदर स्किल्स नहीं तो डेवलप करना पड़ेगा. ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं की बात पता चली और आपने उसे पूरे संसार में जाके बता दिया. ऐसा काम आपको नहीं करना है. तो आपको कैसा रखना है? कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है. हाँ, दो जगह पर कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं भी मेंटेन किया तो भी चलेगा. पहला, अगर इफ इट इज परमिटेड बाय क्लाइंट. क्लाइंट ने इसे क्या कर दिया बताइए? परमिट कर दी. क्लाइंट बोला ठीक है ना भाई, बता देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है. मेरा बैंक के अंतर्गत क्लाइंट बोल रहा है, नाटक क्लासेस का ओनर बोल रहा है कि भाई मुझे 5 करोड़ का लोन चाहिए. बैंक मैनेजर बोल रहा है हमें आपके CA से बात करनी है. तो मैं CA को क्या बोला? CA, अपन ने कोई गड़बड़ी तो की नहीं है, कोई छुपाने वाली बात तो है ही नहीं. भाई मुझे लोन चाहिए, तुम जाओ मैनेजर से मिलो. मैनेजर जो जो सवाल पूछे धड़ल्ले से उसका आंसर दो. कोई टेंशन नहीं, कोई कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. दिस इज व्हाट दोस्तों? परमिटेड बाय क्लाइंट. और दूसरा क्या है? इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ. लॉ के द्वारा क्या किया गया है? रिक्वायर्ड किया गया है. आज अगर मैं बात करूं दोस्तों, आपके इनकम टैक्स की रेट पड़ती है मान लीजिए, तो पता है किसको बुलाया जाता है? CA को भी बुलाया जाता है. क्यों? क्योंकि CA के पास क्या है? सारी डिटेल CA के पास है.
तो अब सीए को भी बुलाया जाएगा जब उसमें, तो कहीं ना कहीं अब आप इनकम टैक्स ऑफिसर्स को ये नहीं बोल सकते कि नहीं मैं कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखूंगा, मैं नहीं बताऊंगा मेरे क्लाइंट की इंफॉर्मेशन मैं आपको क्यों दूं। नहीं भाई, वहां पर लॉ की रिक्वायरमेंट है, वहां पर अधिकार है उन ऑफिसर्स को कि वो आपसे क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अगर आपने उनको इंफॉर्मेशन नहीं दी बेटा तो मारते दस हैं गिनते एक है, फिर गिनती भूल भी जाते हैं बेटा, फिर स्टार्ट करते हैं वापस, गड़बड़ हो जाएगी आपके साथ। इसीलिए आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा दोस्तों, लॉ को मेंटेन करते हुए, लॉ की रिक्वायर्ड को समझते हुए आपको कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज को यहां पर क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तो अगर देखा जाए दोस्तों तो ये सब क्या है हमारे सामने, बताइए, दीज आर नोन एज व्हाट, हमारी क्वालिटीज। क्वालिटीज कौन सी है, पर्सनल है, यस और नो, पर्सनल क्वालिटी है, यस। पर्सनल क्वालिटी कौन कौन सी है बताइए, पहला क्या है इंटीग्रिटी, दूसरा क्या है ऑब्जेक्टिविटी, तीसरा क्या है कम्युनिकेशन स्किल्स, फिर क्या है प्रोफेशनल स्किल्स, फिर क्या है प्रोफेशनल जजमेंट, फिर क्या है नॉलेज, फिर क्या है इंडिपेंडेंस, और फिर क्या है कॉन्फिडेंशियलिटी। इसे याद कैसे करोगे, इसे याद करोगे IOCP2 की किट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। ओके, हाँ एक टी रह गया अपना, ओके चलिए भाई, चलिए एक अपना टी यहां पर रह गया है। टी स्टैंड्स फॉर व्हाट दोस्तों, टैक्टफुलनेस। चलिए, व्हाट डू यू मीन बाय टैक्टफुलनेस, टैक्टफुलनेस का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपको टैकल करते आना चाहिए। आज बीइंग अ चार्टर्ड आप बहुत सारे प्रकार के लोगों से मुलाकात करेंगे, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे जो कि आर्टिकलशिप में आते हैं उनसे लेकर के बड़े बड़े आपको ऑफिसर्स से क्या करनी है दोस्तों, बातचीत करनी है। तो ऐसे केस में कहीं आप क्या ना कर दे दोस्तों, गड़बड़ ना कर दें। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोला गया, भैया आपको क्या मेंटेन करनी पड़ेगी, टैक्टफुलनेस, आपको लोगों को टैकल करते आना चाहिए, दैट इज नोन एज टैक्टफुलनेस। और इससे आप याद कर लेंगे कैसे दोस्तों, IOCP2 की किट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। बोलिए, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, बोलो दोस्तों, यस। चलिए आ जाइए इस चीज के बारे में, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों क्या क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर दिख रहा होगा। चलिए, क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर में आप देखेंगे दोस्तों दो प्रकार की क्वालिटी है, एक कौन सी टेक्निकल, दूसरी कौन सी बताइए पर्सनल। टेक्निकल क्वालिटी की अगर हम बात करें तो कौन कौन से, अकाउंटेंसी, लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑडिटिंग, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, क्लाइंट का नेचर ऑफ बिजनेस, ये हो गया हमारा क्या दोस्तों, दीज आर नोन एज व्हाट टेक्निकल क्वालिटी। उसके बाद पर्सनल क्वालिटी में देखेंगे पहले क्या दिखा हुआ है, इंटीग्रिटी, दूसरा ऑब्जेक्टिविटी, फिर तीसरा कम्युनिकेशन स्किल्स, फिर उसके बाद क्या था पी प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल स्किल्स, के फॉर नॉलेज, आई फॉर इंडिपेंडेंस, टी फॉर टैक्टफुलनेस, और फिर क्या हो गया कॉन्फिडेंशियलिटी। अब अंदर का पढ़ो, इंटीग्रिटी में, इंटीग्रिटी में बोला गया ऑनेस्ट होना चाहिए, सिंसियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। तो मैंने भी आपको बताया था ईमानदार होना चाहिए। फिर ऑब्जेक्टिविटी में भाई अनबायस्ड एंड इम्पर्सनल अप्रोच, अपने गोल की तरफ भाई सिंसियर होना चाहिए। इंडिपेंडेंस, किसी के भी दबाव में काम ना करें, ही मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी इंटरेस्ट अपेरेंटली एज वेल एज इन रियालिटी। रियालिटी और अपेरेंटली दोनों में क्या होना चाहिए दोस्तों, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ही शुड हैव जनरल नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस एंड इकोनॉमिक ट्रेंड्स, अवेयरनेस अबाउट लॉ लाइक टैक्सेशन लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। ही मस्ट कंटिन्यूसली अपडेट हिज नॉलेज, मतलब नॉलेज तो चाहिए, नॉलेज तो क्या नॉलेज, कौन सा नॉलेज, अपडेटेड नॉलेज। कम्युनिकेशन में क्या बोला गया, ड्यूरिंग कंडक्ट ऑफ ऑडिट ही हैज टू इंटरैक्ट विद वेरियस ऑफिसर्स एंड स्टाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दस इज रिक्वायर्ड टू हैव गुड ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन एबिलिटी। टैक्टफुलनेस में, ही मस्ट बी एबल टू डील विद डिफरेंट पर्सन इन डिफरेंट सिचुएशन, he has to direct and supervise his own staff as well as thus he should be tactful. Professional judgment, he should be capable of taking firm judgment as to which item to be checked and what should be the process of performing the
ऑडिट, ऑडिट को कैसे काम करना है उसका, आपका एक फर्म आपका पहले से तैयार होना चाहिए जजमेंट किया। चलिए सॉरी फॉर द वॉइस प्रॉब्लम, आ जाइए आप स्टार्ट करते। तो अपन बात कर रहे थे किसकी, प्रोफेशनल स्किल्स की, वो प्रॉब्लम को इंटरप्रेट कर पाए एंड उसे डील कर पाए। लास्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी, दोस्तों शुड नॉट डिस्क्लोज व्हाट दोस्तों कॉन्फिडेंट इन्फॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन से डिस्क्लोज नहीं करना है। हाँ दो केसेस में आप कर सकते हैं, ठीक है, पहला इफ इट इज परमिटेड बाय क्लाइंट और दूसरा इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। चलिए मुझे उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक की चीजें समझ में आ रही है, बोलो यस और नो। यस, चलो अच्छा अब अपन बात करेंगे ये छोटी सी बात, ऑडिट और अकाउंट्स, ऑडिटिंग करना और अकाउंटिंग करना क्या दोनों सेम है कि अलग अलग है, क्या लगता है डिफरेंस है? ऑडिटिंग करना मतलब क्या हो जाता है उसका चेकिंग करना, और अकाउंटिंग करना क्या हो जाता है प्रिपेयर करना, किसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। तो आज अगर अपन बात करें दोस्तों तो ऑडिटिंग और अकाउंटिंग दोनों क्या है, डिफरेंट है। ऑडिटिंग क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, और अकाउंटिंग क्या है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसका ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड आउट कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहा है कि नहीं, और ऑडिटिंग का क्या है, अकाउंटिंग क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ व्हाट ट्रांजेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एस्पेक्ट्स की बात करें दोस्तों तो इट कवर्स एग्जामिनेशन एस्पेक्ट, कौन सा, ऑडिटिंग, और अकाउंटिंग क्या करता है, रिकॉर्डिंग एस्पेक्ट्स को देखता है। अच्छा ऑडिटिंग कौन करेगा, क्वालिफाइड सीए करेगा, अकाउंटिंग कौन करेगा, एनी पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। ओके ऑडिटिंग कौन करता है, इट इज डन एज पर एसएस, और अकाउंटिंग कौन करता है, इट इज डन पर एएस। वेरी गुड, डिफरेंट सब्जेक्ट्स का नॉलेज अपन को ऑडिट में चाहिए क्योंकि ऑडिट में आपको टैक्स अकाउंट्स कॉस्ट लॉस सबका चाहिए, लेकिन अगर हम बात करें अकाउंटिंग के अंतर्गत यू हैव टू हैव ओनली गुड नॉलेज अबाउट द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। Getting my point? Simple enough? चलो next, next आज एक बार हम audit की अब एकदम introduction पे आ जाते हैं, ठीक है, इसे भी read कर लेते हैं फिर कुछ नया start करेंगे। वहाँ पर आपको auditing की definition दिखेगी third paragraph में। Audit is an independent examination of financial information of any entity whether profit making or not with a view to express what दोस्तों opinion, opinion on true and fair view, इसको तो अपन deep में देख चुके हैं। ऑडिट एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन है तो भाई इट इज कंडक्टेड इन अ प्रॉपर वे, कम्प्लीटली अनबायस्ड वे पे होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या हो जाता है, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। प्रिपेयर कौन करता है इसको, मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी, कौन करेगा बोलो, मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी। अच्छा एंटिटी की अगर हम बात करें तो भाई एंटिटी की बात की जाए तो भाई जो क्लाइंट्स हैं उनके कैन बी एंटिटी वॉट एवर इज द लीगल फॉर्म, चाहे प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, ट्रस्ट हो, इसलिए एंटिटी बोला है, कंपनी नहीं बोला, ठीक है। एंड द एंटिटी में भी प्रॉफिट ओरिएंटेड और चैरिटेबल वन, कैसा भी हो सकता है। ओपिनियन देना है, जजमेंट नहीं देना है, और ओपिनियन किस पर देना है, ऑन पीआरडी, पी देखो पी फॉर पॉलिसी, आर फॉर डिस्क्लोजर सॉरी रेगुलेशन एंड डी फॉर डिस्क्लोजर। पॉलिसी के लिए देखो क्या बोला गया, एक्सेप्टेबल एंड कंसिस्टेंट, समझ में आ गया। दूसरा रेगुलेशन में लिखा हुआ रिलेवेंट रेगुलेशन, रिलेवेंट मतलब इंटरनल एंड एक्सटर्नल, और अगर हम बात करें डिस्क्लोजर में क्या बोला गया, ऑल मटेरियल, क्या बोलते हैं, समझ में। कौन करेगा दोस्तों ये करेगा कौन दोस्तों, सीए, कौन करेगा, सीए हैविंग व्हाट दोस्तों, सीओपी। अच्छा किसी को पता है ये हैविंग सीओपी का मतलब क्या है, क्या होता है इसका मतलब, ओके सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए, व्हाट इज सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, मतलब ये ऑफिस ओपन करेगा, वेरी गुड। मतलब सीएस ना जनरली कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑफिस खोलने के बजाय जॉब में चले जाते हैं, होता है ना 10 लाख का पैकेज लग गया, 25 लाख का पैकेज लग गया, तो ये पैकेज कैसे लगा, क्योंकि उन्होंने खुद का ऑफिस नहीं खोला, वो किस में चले गए, जॉब में चले गए। अगर आप जॉब में नहीं जाते हैं और आप अगर अपना खुद का ऑफिस ओपन करते हैं तो आपके पास क्या होना जरूरी है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना जरूरी है। चलिए बोलिए दोस्तों क्या यहां तक ये चीज समझ में आई, पक्का, चलिए ये भी हो गया। ऊपर आएंगे तो छोटी सी बात लिखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब यही है, पीएनएल है, बैलेंस शीट है, नोट्स टू अकाउंट्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है।
फिर इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं किसके बारे में, हुआ दी यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आखिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कौन से यूजर्स हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो भाई कौन कौन है, पहला है कौन, कस्टमर, ओनर, मैनेजमेंट, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज एंड इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स क्या देखते हैं, इन्वेस्टर्स ये देखते हैं कि क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं, इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एम्प्लॉयज क्या चेक करते हैं कि भाई क्या उन्हें जो वेजेस एंड सैलरी मिल रही है वो रीजनेबल है या नहीं है। गवर्नमेंट क्या देखेगी कि भाई क्या डायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट सही किया है कि नहीं, वैट वगैरह सही किया है कि नहीं। क्रेडिटर्स क्या चेक करेंगे दोस्तों, उसका क्रेडिट वर्दीनेस। मैनेजमेंट खुद का परफॉर्मेंस देखते हैं। ओनर्स जो है वो इवैल्यूएट करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। और कस्टमर ये देखते हैं कि क्या इनके साथ हमें रह करके काम करना है कि नहीं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में हमें रहना है कि नहीं रहना है। समझ में आ गया, दीज आर व्हाट दोस्तों यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। समझ में आ गया पक्का, 5 मिनट। चलिए तो अपन ने क्या देख लिया दोस्तों, तो अपन ने डेफिनेशन देख लिया है, ठीक है, ऑडिट की डेफिनेशन अगर हम बात करें तो ऑडिट की डेफिनेशन अपन ने चेकआउट कर लिए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में अपन ने चेकआउट कर लिया है। चलिए तो अगर हम बात करें दोस्तों, उसके बाद हमने और क्या देख लिया था दोस्तों, हमने उसके बाद देख लिया है अलग अलग प्रकार के ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर होते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर होते हैं, इंटरनल ऑडिटिंग होती है, एक्सटर्नल ऑडिटिंग होती है। साथ ही साथ अपन ने क्वालिटीज भी देख लिया किसकी, ऑडिटर की। उसके अलावा अपन ने क्या चेक कर लिया है, ऑडिटिंग वर्सेस अकाउंटिंग, कि भाई ऑडिट क्या होता है, अकाउंट्स क्या होता है, इन चीजों के बारे में अपन ने क्या कर लिया दोस्तों, यहां पर बातचीत कर लिया है। बोलिए यहां तक कोई डाउट है, फास्ट जल्दी बोलो। तो फिर चलिए दोस्तों, कोई डाउट नहीं है, सो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं दोस्तों, थैंक यू सो मच। कल की क्लास में आप जरूर जरूर इन सारी चीजों को अच्छे से रिवाइज करोगे, रिलीजियसली ऑडिट को आपको रिवाइज करना है, ठीक है दोस्तों। कोई भी डाउट आए जरूर कल की क्लास में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आपको यहाँ नीचे तो मेरा नंबर दिख ही रहा है दोस्तों, ठीक है, उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इन केस अगर पढ़ते समय आपको कोई डाउट आया तो, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, अभी के लिए इतना ही है, टाटा बाय, सी या बाय बाय। चलिए दोस्तों, सो वेरी 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 गुड इवनिंग, और स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों अपना बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट, और नाम क्या दोस्तों सब्जेक्ट का, दैट इज नोन एज व्हाट दोस्तों, ऑडिट। चलो ऑडिट द मोस्ट 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 इजीएस्ट एंड मुझे कहना चाहिए एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर द सीएस स्टूडेंट। हम इस सब्जेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं दोस्तों। इस सब्जेक्ट के बारे में पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सब्जेक्ट है दोस्तों, इसमें खुशी की बात ये है कि इसके अंतर्गत दो पार्ट में इसका जो कंसेप्ट है वो डिवाइडेड है। पहला अगर हम बात करें दोस्तों, डेट इज एमसीक्यू, यस, पहला आपके पेपर में क्या आएंगे दोस्तों, एमसीक्यू आएंगे। और दूसरा अगर मैं आपके पेपर में बात करूं तो दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। तो दो प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, एक होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि अप्रोक्सीमेटली कितने मार्क्स का आएगा, 30 मार्क्स का, और आएंगे दोस्तों आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि कितने मार्क्स के आएंगे, 70 मार्क्स के आएंगे। ऑडिट का पेपर विश्वास मानिए दोस्तों, कंसेप्चुअली तो ऑडिट बहुत ही ज्यादा इजी सब्जेक्ट है, लेकिन पेपर वाइज भी मैं आपको बात करूं ना, इस सब्जेक्ट के अंतर्गत एग्जेम्पशन स्कोर करना बहुत आसान है। यस दोस्तों, मतलब सबसे प्यारी बात है ऑडिट सब्जेक्ट की ये कि भाई पहली चीज आपको मिल रहा है 30 मार्क्स के एमसीक्यू, जिसमें से अपन 25 प्लस का स्कोर तो करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा अगर मैं ऑडिट की बात करूं ना दोस्तों, तो ऑडिट के अंतर्गत कुछ चैप्टर्स जो है ना यहां पर डिफाइंड है, जिनमें से एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो भी चैप्टर्स मैं आपको बताऊंगा ना, वो चैप्टर्स ऐसे चैप्टर होते हैं जिसे मैं अपनी भाषा में बोलता हूं मोनोटोनस चैप्टर। मोनोटोनस चैप्टर मतलब इन चैप्टर के अंतर्गत कोई भी टेक्निकलिटी नहीं है, आपको चैप्टर एकदम सिंपल सा स्ट्रक्चर्ड चैप्टर्स दिखेंगे, और उन चैप्टर्स में से अप्रोक्सीमेटली नहीं हो तो मैं आपको बोल सकता हूं 30 से 35 मार्क्स का एग्जाम में आता है। मतलब कुछ ऐसे चैप्टर जिनके अंदर कोई टेक्निकलिटी नहीं है, मतलब बोलना चाहिए कि इनके अंदर ऑडिट नाम की चीज भी देखने को शायद नहीं मिलेगी, और उन चैप्टर्स में से आपको लगभग 30 से 35 का पूछा जाता है। अब 30 से 35 का अगर पूछा जाए, तो अगर हमने यहां पे 25 स्कोर कर लिए और ये 30 to 35 मार्क्स स्कोर करना आसान है, तो 55 से 60 नंबर तो आपका आसानी से यहां पर ऑडिट में क्या किया जा सकता है, स्कोर किया जा सकता है। इसके अलावा बचता है वो 40 मार्क्स, वो 40 मार्क्स के लिए आपको हल्का सा टेक्निकल ज्ञान जो है ना वो करना जरूरी होता है। तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो पेपर है ना,
बहुत इजी पेपर होने वाला है, और ये जो पेपर है अगर इसमें आपने दिल लगा करके मेरे चैप्टर मेरे लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो करके घर पे अच्छे से पढ़ाई किया और मेरा दिया हुआ क्वेश्चन बैंक आपने फॉलो किया, 60+ कहीं नहीं जा रहा, ये मेरी गारंटी है। फर्स्ट डे ऑफ द क्लास में मैं आपको बोलूं 60+ कहीं नहीं जा रहा अगर आपने क्वेश्चन बैंक और मेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ अगर आपने काम किया तो। चलिए तो आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको पता चलते जाएगा कि सब्जेक्ट कितना 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 इजी है। हो सकता है आपके जो भी सीनियर्स होंगे उन्होंने शायद ऐसा बोला होगा कि ऑडिट तो बहुत ही थ्योरी है, ऑडिट तो बहुत ही ड्राई सब्जेक्ट है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपको पढ़ने के लिए अपनी सीए जर्नी में नहीं मिलेगा। और मैं इसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट क्यों बोलता हूँ, क्योंकि यही सब्जेक्ट है जिसको आपको जीना है। अगर आप सीए बनने जा रहे हैं तो सीए बनने के लिए आप सीए बन तो जाएंगे लेकिन सीए बनने के बाद आप करेंगे क्या, तो एक्चुअली में सीए बनने के बाद आप ऑडिटिंग ही करने वाले हैं। तो इसीलिए ये बोलना कि ये सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा ड्राई है, ये सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा थ्योरेटिकल है, तो ये है ही नहीं, क्योंकि यही सब्जेक्ट के साथ आप जीने वाले हैं दोस्तों। तो छोटे मोटे मिथ्स जो कि आपके दिमाग में स्टार्टिंग ऑफ द सब्जेक्ट में रहते हैं मैं आपके वो मिथ्स को अलग करने की कोशिश कर रहा हूं, और इसी के साथ साथ मैं चालू कर रहा हूं अपना लेक्चर दोस्तों, और हम बातें करने वाले हैं सब्जेक्ट की, और सब्जेक्ट का नाम क्या जल्दी बताएंगे दोस्तों, ऑडिट। चलिए जितने भी बच्चे मेरे साथ लाइव ऑनलाइन जुड़े हुए हैं दोस्तों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपको भी अपने घर पे चीखना है चिल्लाना है, मेरी एनर्जी के साथ आपको रहना है दोस्तों। घर वालों को लगना चाहिए कि बच्चा कैमरे में बैठ करके पढ़ाई वाकई में कर रहा है, तो घर वालों को हिला दो दोस्तों, ठीक है, मस्त अच्छे तरीके से एनर्जेटिक तरीके से अपन को पढ़ना है। चलो आ जाइए दोस्तों, ऑडिट की बात अपन करने जा रहे हैं। तो ऑडिट का बेसिक मतलब क्या होता है, तो दोस्तों ऑडिट का बेसिक मतलब जो होता है दोस्तों वो होता है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना। क्या करना जल्दी बोलो, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना, किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। कोई भी पूछे भाई ये ऑडिट करने का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे ऑडिट करने का मतलब होता है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना, किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। अच्छा फटाफट बताओ मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फटाफट बताओ, बोलो जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड, ऑनलाइन बच्चों में कौन बताएगा जल्दी से बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जल्दी बताओ कोई तो बोलो। चलिए तो अगर हम बात करें दोस्तों क्या क्या होता है, ट्रेडिंग होता है, पीएनएल होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स होते हैं, और क्या होता है दोस्तों, बैलेंस शीट होती है, साथ ही साथ जो नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं इन्हें अपन क्या बोलते हैं बताइए दोस्तों, डेट इज हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वेरी गुड, तो ऑडिट की अगर हम बात करें दोस्तों तो ऑडिट का बेसिक मतलब क्या होता है, ऑडिट का बेसिक मतलब होता है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना, किसकी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। किसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो बोला जाता है भाई किसी के भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ऑफ एनी एंटिटी, किसकी दोस्तों, ऑफ एनी एंटिटी। सर पक्की बात है जो प्रॉफिट कमाते होंगे उन्हीं का ही होता होगा, आंसर इज नो बेटा, वेदर दे आर प्रॉफिट मेकिंग और नॉट, क्या बोलेंगे, वेदर दे आर प्रॉफिट मेकिंग और नॉट। तो कोई भी पूछे भाई व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिटिंग, तो ऑडिटिंग का मतलब क्या हो जाता है, इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉट। सर क्यों कर रहे हैं अपन ऑडिट, सर वैसे भी भाई अगर देखा जाए तो आज नाहटा क्लासेस जो है वो एक बिजनेस है, वो एक एंटिटी है, वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है, सर उसे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन कराने की क्या जरूरत है। बड़ा सवाल तो यही है ना, आखिर इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन क्यों कराया जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, कोई बता सकता है क्यों कराया जाए। वेरी गुड वेरी गुड, और बताओ क्यों कराया जाए, कौन बता सकता है, बोलिए क्यों ऐसा हो रहा है कि नाहटा क्लासेस अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है और उसे किसी सीए से चेक करा रही है, ऐसा क्यों, आखिर क्यों, कोई बोलना चाहेगा, सभी अनम्यूट कर सकते हैं ना अपने आप को कि नहीं कर सकते हो, हाँ कर तो सकते हैं, चलो जल्दी से बताओ क्यों, ऐसा क्यों, ओके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ओके और क्यों, आज मुझे बताइए क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कारण बहुत सारे लोगों को मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कारण कुछ डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। यस, जैसे कि भाई मोदी जी को ये देखना है कि नाहटा जी ने टैक्स सही पे किया है कि नहीं किया है,
मेरे एम्प्लॉयज को ये चेक करना है कि उन्हें सैलरी जो है वो सही मिली है या नहीं मिली है। भाई मेरे क्रेडिटर्स को ही देखना है, नाटा जी की क्रेडिट वर्दीनेस है या नहीं है। मतलब आज अगर देखा जाए तो मेरी एक अकेले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं उसका इम्पैक्ट या उसके मदद से बहुत सारे लोग क्या लेते हैं दोस्तों, डिसीजन लेते हैं। तो उनका डिसीजन जो है वो सही होना चाहिए, उन्हें लगना चाहिए कि हाँ हमने सही डिसीजन लिया। इसी के लिए वो क्या करेंगे दोस्तों, वो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेंगे और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरी सही होनी चाहिए। इसीलिए उसका क्या होता है दोस्तों, एग्जामिनेशन होता है और एग्जामिन करके जो ऑडिटर है वो क्या देता है, ओपिनियन। क्या देता है, ओपिनियन। वेरी गुड दोस्तों। तो वो एक्सप्रेस करता है, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस व्हाट दोस्तों, ओपिनियन। ओपिनियन किस पे, ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू। ओपिनियन किस पे दोस्तों, ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू। अब यहां पर सबसे अच्छी बात देखने के लिए क्या है दोस्तों, यहां पर क्या वर्ड दिया है, ओपिनियन। दूसरा वर्ड क्या दिया है, ट्रू एंड फेयर व्यू। तो पहली चीज दोस्तों, अगर ओपिनियन की बात किया जाए तो व्हाट डू यू मीन बाय ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब हो जाता है दोस्तों कि हम क्या दे रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि आपकी फाइनेंशियल सही है, हमें ऐसा लग रहा है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इसकी क्या दे रहे हैं, राय दे रहे हैं। अरे सर, जब चेकिंग कर रहे हो तो राय क्यों दे रहे हो, सीधा बोलने का ना एकदम डंके की चोट पे कि ये सही है ये गलत है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि हम यहाँ पर ओपिनियन देंगे, हम यहाँ पे राय देंगे, ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए दोस्तों क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने वाला कौन है, बिजनेसमैन। उसे चेक करने वाला कौन है, सीए। क्या आप मुझे बताइए, क्या बिजनेसमैन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते समय कुछ गड़बड़ियां कर सकता है? बोलो ये सुनो, बिल्कुल कर सकता है। सर कैसे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे इनकम आई, मैंने नोट ही नहीं किया, मैंने एक्सपेंसेस किया लेकिन उसको बताया ही नहीं। अब मैं ऐसा गड़बड़ काम कर सकता हूं, और अगर मैंने ऐसे गड़बड़ काम किया तो भाई ये तो गलत हो जाएगा। अच्छा, इसकी इंफॉर्मेशन सीए को मिल जाए जरूरी नहीं है। आज मेरे पास पांच बच्चे आए, पांचों ने मुझे कह दिया कैश दिया, 50,000 मेरी फीस है, 2.5 लाख रुपए मेरे पास आए, ठीक है, कैश 2.5 लाख रुपए आए, मैंने अपनी जेब में डाल दिया, मैंने उसके लिए कोई रिसिप्ट नहीं फाड़ा, मैंने उसके लिए कोई भी प्रकार की बैलेंस शीट ट्रेडिंग पीएनएल में कोई एंट्री नहीं किया। अब मुझे बताइए, क्या 2.5 लाख रुपए मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बाहर है? यस। क्या इस पर मैंने टैक्स दिया होगा? नो। क्या मैंने इस पर प्रॉफिट दिखाया? नो। तो ऑब्वियसली बात है ना, आज अगर बोलते भाई सीए डंके की चोट पे कि भाई इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा अमाउंट मैंने हो सकता है क्या किया होगा, उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बाहर रखा होगा। तो इसीलिए यहां पर आईसीएआई ने बोला, नहीं भैया, हमारा जो सीए है वो डंके की चोट पे काम नहीं कर पाएगा, हमारा सीए सिर्फ क्या दे पाएगा, ओपिनियन दे पाएगा। और ये जो ओपिनियन देगा, ये ओपिनियन किस पर देगा, ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू। किस पर ओपिनियन देने वाला है बताइए, ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू। सर व्हाट इज दिस ट्रू एंड फेयर व्यू? ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब हो जाता है दोस्तों, दैट इज नोन एज पॉलिसीज, दूसरा हो जाता है रेगुलेशंस, तीसरा हो जाता है डिस्क्लोजर्स। क्या क्या है बताइए दोस्तों, पॉलिसीज, रेगुलेशंस एंड डिस्क्लोजर्स। पॉलिसी जो भी होनी चाहिए दोस्तों, वो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए और कंसिस्टेंट होनी चाहिए, एक्सेप्टेबल होनी चाहिए और कंसिस्टेंट होनी चाहिए। रेगुलेशन में बोला गया दोस्तों इंटरनल एंड एक्सटर्नल, क्या बोला गया, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। और डिस्क्लोजर में बोला गया दोस्तों ऑल एंड मटीरियल, क्या बोला गया, ऑल एंड मटीरियल। तो जो भी पॉलिसीज होनी चाहिए वो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए। सर ये पॉलिसीज क्या होती हैं? अरे मुझे बताओ, तुमने डेप्रिसिएशन पढ़ा है क्या? चलो ऑनलाइन वाले बच्चे कम से कम चैट में तो बोलो रे क्या कर रहे हो, थोड़ा तो माहौल बनाओ क्लास का, जल्दी बताइए डेप्रिसिएशन पढ़ा है क्या? यस, वेरी गुड। अब डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें तो उसके दो मेथड होते हैं, एक होता है SLM मेथड और एक होता है, एक और कौन सा होता है मैं भूल गया, जल्दी बताओ। वेरी गुड, रिटन डाउन वैल्यू, WDV मेथड। तो भाई SLM मेथड होता है, WDV मेथड होता है। अब ऐसा हो सकता है कि भाई मैंने क्या किया, अपने घर पे बना लिया SLWD, क्या बना लिया, SLWD अपने घर पे बना लिया, उससे मैं क्या कर रहा हूं, डेप्रिसिएशन कर रहा हूं। क्या ये सही है कि गलत है? गलत है, ऑब्वियस ही बात है। या फिर मैं ऐसा करूं, एक साल WDV करूं, 2 साल SLM करता हूं, 1 साल WDV करता हूं, 2 साल SLM करता हूं, क्या ये सही है क्या? नहीं, ये भी क्या है, गलत हो जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर ऐसी कोई मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी होगी जिसमें पॉलिसीज एक्सेप्टेबल नहीं है, जिसमें पॉलिसीज कंसिस्टेंट नहीं है, आप बोलोगे भैया इट इज नॉट शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू। समझ में आ गया पक्का?
आज अपन कंपनीज एक्ट में जानते हैं कि कंपनीज एक्ट कंपनीज को मैनेज करता है। अच्छा, कंपनीज के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंपनी एक्ट के अलावा एक और किताब है जो मैनेज करती है, याद है आपको, अपन ने पढ़ा बचपन में, AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या करता है दोस्तों, ये भी हमारी कंपनीज के इंटरनल अफेयर्स को मैनेज करता है। आज ऑडिटर को यह भी देखना जरूरी है कि जो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन है और जो एक्सटर्नल रूल्स एंड रेगुलेशन है वो दोनों सही तरीके से फॉलो किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं। तो ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, वो किस में आएगा, रेगुलेशंस में। अच्छा, डिस्क्लोजर सारे और मटेरियल डिस्क्लोजर डिस्क्लोज हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ये ऑडिटर को देखना है। अगर इनमें से, अगर मान लीजिए पॉलिसी में कुछ गड़बड़ हुआ, रेगुलेशन में कुछ गड़बड़ हुआ, डिस्क्लोजर में कुछ गड़बड़ हुआ, तो हम ये बोल सकते हैं इट इज नॉट शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू। तो ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए तीनों चीजें होनी चाहिए, कौन कौन सी तीन चीज बोलो, PRD, पी स्टैंड्स फॉर पॉलिसीज, आर फॉर रेगुलेशन, डी फॉर डिस्क्लोजर्स। बोलिए दोस्तों, थम्स अप करके बताइए, क्या यहां तक की चीजें समझ में आई, बोलो। ए में मतलब स्टैंड्स फॉर ऑल एंड एम स्टैंड्स फॉर मटीरियल, ठीक है। मटीरियल का मतलब क्या हो जाता है, वेरी गुड, जो जरूरी होता है, मटेरियल मतलब जो जरूरी है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उसे अपन क्या बोलते हैं, मटेरियल। चलिए, तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर अब आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट, तो जल्दी से जवाब देंगे, इट इज व्हाट दोस्तों, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉट इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू। चलिए दोस्तों, अच्छा अभी ऑडिट है, ऑडिट करता कौन है बोलो, ऑडिटर, कौन कहता है, ऑडिटर। और ऑडिटर का क्या होना जरूरी है, CA, हैविंग व्हाट दोस्तों, COP, क्या होना जरूरी है, CA, हैविंग व्हाट दोस्तों, COP, व्हाट इज COP, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। यहां तक समझ में आया, फिक्स है दोस्तों, बोलो यस और नो। चलिए, अब अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ध्यान से समझना, ऑडिट होते तो बहुत सारे प्रकार के हैं, लेकिन मैं आपको मेनली बात करूंगा दो प्रकार के ऑडिट के बारे में। एक होता है जिसे अपन बोलते हैं इंटरनल ऑडिट, और एक होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑडिट। ओके, व्हाट इज इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठ करके किया जाने वाला ऑडिट। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किया जाने वाला ऑडिट मतलब सर कैसा ऑडिट होगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना होगा। आज अगर मैं बात करूं दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट, यू नो देर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कौन कौन से 3 लेवल होते हैं बताइए दोस्तों, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। क्या बात है बेटा, बहुत सारे बच्चे चैटिंग में जवाब भी दे रहे हैं। चलिए, अगर हम बात करें दोस्तों टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, अब टॉप लेवल में कौन बैठता है, मुकेश भैया, मिडिल लेवल में मैनेजमेंट बैठता है और लोअर लेवल पे एम्प्लॉयज बैठते हैं। अच्छा, टॉप लेवल का जो आदमी है ना, उसकी सोच ना आज की नहीं है, उसकी सोच है आज से 5 साल बाद क्या करना है। मुकेश अंबानी जो इतना पैसा कमा रहा है वो आज के लिए नहीं कमा रहा है, आज के आगे वो 5 साल बाद वो देखना चाहता है फ्यूचर में मुझे ये करना है। तो ये जो टॉप लेवल का आदमी है ना, ये तो दिन रात लगा हुआ है किस पे, काम करने पे, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, बस। इसने अपनी पूरी की पूरी कंपनी किसके भरोसे छोड़ दिए, मिडिल और लोअर के नाम पर छोड़ दिए एक तरीके से। अभी टॉप लेवल का आदमी मैं बोलता हूं चलो करप्ट आदमी होगा, ये शेयर होल्डर के पैसों के साथ खेलेगा, ये गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देगा, तो ये तो है गंदा आदमी टॉप मैनेजमेंट। लेकिन क्या कभी टॉप मैनेजमेंट ये चाहेगा कि मिडिल और लोअर इनके साथ कुछ गड़बड़ी करें, आंसर इज नो। भाई टॉप लेवल गंदा आदमी है, वो बोल रहा है भैया ठीक है, वो भाई जैसे तैसे मैनेज कर रहा है, लेकिन वो कभी ये नहीं चाहेगा कि मिडिल लेवल का आदमी और लोअर लेवल का आदमी उसके साथ क्या करे, कुछ गड़बड़ करे। तो इसके लिए जो टॉप लेवल का आदमी है वो क्या करता है पता है, वो रखता है एक इंटरनल ऑडिटर, वही रखता है, कौन रखता है, टॉप लेवल का आदमी। और वो ये इंटरनल ऑडिटर से पता है क्या बोलता है, तुम चेक करो मिडिल लेवल और लोअर लेवल को, तुम चेक करो किसको, मिडिल लेवल और लोअर लेवल को, आज कहीं मिडिल लेवल जो है वो कहीं मेरी एसेट्स के साथ गलत काम तो नहीं कर रहा है, आज देखो भाई मेरी एसेट्स वगैरह सेफगार्ड रहनी चाहिए, क्या रहनी चाहिए भाई, सेफगार्ड, ठीक है, क्या रहनी चाहिए मेरी
एसेट्स, ठीक है। तो ये चेक करने का काम कौन करता है बताइए? हमारा इंटरनल ऑडिटर। इसके अलावा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बोले गए हैं, क्या वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, जिसे अपन बोलते हैं एडरेंस टू मैनेजमेंट पॉलिसी। क्या मैनेजमेंट जो है वो पॉलिसीज को फॉलो कर रही है कि नहीं, लोअर लेवल मैनेजमेंट पॉलिसी को फॉलो कर रही है कि नहीं, इसे बोलते हैं एडरेंस टू मैनेजमेंट पॉलिसी। इसके अलावा अकाउंट्स वगैरह बनाने का काम नो डाउट बिजनेस हाउस का होता है, लेकिन बिजनेस हाउस अब खुद तो बना नहीं पाएगा। आज भाई अकाउंट्स के अंतर्गत कितने सारे क्या आ गए, चेंजेस आ गए। आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही देख रहे हैं, IFRS देख रहे हैं, NDAs देख रहे हैं, इतना नॉलेज तो नहीं है भैया। तो इसके लिए अकाउंटिंग करने का काम भी किसका है? इंटरनल ऑडिटर का। तो इंटरनल ऑडिटर को कितने कामों के लिए रखा गया बताइए? तीन कामों के लिए। पहला काम हो गया हमारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रिलेटेड, तो कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। क्या बोलोगे बताइए? कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। दूसरा इसको रखा गया काई के लिए? सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स के लिए। किसके लिए रखा गया? सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स के लिए। और तीसरा रखा गया एडरेंस टू मैनेजमेंट पॉलिसी, कि मैनेजमेंट की आप क्या पॉलिसीज को देखो कि क्या इन लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये मेन काम किसका है? ये मेन काम है इंटरनल ऑडिटर का। किसका है बताइए? इंटरनल ऑडिटर का। तो ये जो मैंने आपको सिखाया था अभी ऊपर कि सिर्फ क्या करना है, चेक करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और ओपिनियन देना है, ये काम किसका है? ये काम है एक्सटर्नल ऑडिटर का। किसका काम है? एक्सटर्नल ऑडिटर का। मतलब मैंने जो बातें बताई थी आपको पहले, वो बताई थी एक्सटर्नल ऑडिटर के बारे में, और अब जो मैंने आपको बातें बताई है वो किसके बारे में बताइए? इंटरनल ऑडिटर के बारे में। इंटरनल ऑडिटर कौन बंदा होता है? इंटरनल ऑडिटर वो बंदा होता है दोस्तों जो मैनेजमेंट का आदमी है, मैनेजमेंट के द्वारा अपॉइंट हुआ है, और उसके तीन मेन काम है, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स एंड एडरेंस टू मैनेजमेंट पॉलिसी। ये काम किसका है? इंटरनल ऑडिटर का है। तो एक्सटर्नल ऑडिटर का क्या काम है? सिर्फ ओपिनियन देना। किस पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने का काम है एक्सटर्नल ऑडिटर का। तो बनाने का काम किसका है? इंटरनल ऑडिटर का है। समझ में आया कि नहीं है? पक्का। अब इंटरनल ऑडिटर जो है वो आपको किसका बंदा साउंड हो रहा है, किसके द्वारा अपॉइंट किया गया? कंपनी मैनेजमेंट। तो ऑब्वियस ही बात है वो किसका बंदा है? मैनेजमेंट का बंदा है। और अगर वो मैनेजमेंट का बंदा है इसीलिए वो इंडिपेंडेंट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। और इसीलिए यहां पर अगर आप फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे तो मैंने क्या बताया? इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। तो एक्सटर्नल ऑडिटर जो होता है वो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करता है, इंटरनल ऑडिटर जो होता है दोस्तों वो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन नहीं कर सकता, इनफैक्ट वो एग्जामिनेशन करता ही नहीं है। वो किसका बंदा होता है? मैनेजमेंट का बंदा होता है। बोलो आ रही बात समझ में? फिक्स है? पक्का? अच्छे से चलो। अब अगर आप आएंगे दोस्तों नोट्स में, अगर आपके पास नोट्स होंगे तो यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन आपको देखने के लिए मिलेगा। आ जाओ यहाँ पर, डिफरेंस बिटवीन में आपको एक देखने के लिए मिलेगा, इंटरनल ऑडिट वर्सेस एक्सटर्नल ऑडिट आपको देखने के लिए मिलेगा, और उसी के ही आसपास आपको इंटरनल ऑडिटर वर्सेज एक्सटर्नल ऑडिटर देखने के लिए मिलेगा। आइए इसे पढ़ते हैं, ग्रास्प करते हैं क्या लिखा हुआ है। इंटरनल ऑडिट अपॉइंटिंग अथॉरिटी, कौन अपॉइंट करता है बताइए दोस्तों? मैनेजमेंट करता है। एक्सटर्नल ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? ओनर्स, जिसे अपन क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स। बचपन में आपने क्या कंपनी लॉ पढ़ा है? यस। उस बचपन में आपने क्या AGM पढ़ा है? AGM में होने वाले कुछ ऑर्डिनरी बिजनेस याद है क्या बताइए? उस AGM में चार काम हमारे ऑर्डिनरी बिजनेस के थे, कौन कौन से? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, उसके बाद फिर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एंड अडॉप्शन ऑफ दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसके अंतर्गत एक चीज है ना, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। तो आपको यहीं से पकड़ लेना चाहिए कि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? AGM में शेयर होल्डर्स करते हैं। ओके, इसका स्कोप अगर हम बात करें इंटरनल ऑडिटर का, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी बताएगा, इसका लॉ बताता है, ये क्या क्या करता है, ये कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स देखता है, एडरेंस टू मैनेजमेंट पॉलिसी देखता है, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स देखता है। एक्सटर्नल ऑडिटर क्या करता है? सफिशियंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करता है ताकि ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर सके। इंडिपेंडेंस की बात की जाए तो इट इज कंसिडर्ड लेस इंडिपेंडेंट, और यहाँ पर क्या है दोस्तों? होली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, एक्सटर्नल को होली इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम बात करें, एक्सटर्नल की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही है दोस्तों, क्या करना? ओपिनियन एक्सप्रेस करना। क्या है उसका काम? ओपिनियन एक्सप्रेस करना। लेकिन इंटरनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप देखोगे
तो अकाउंटिंग हो गया, फाइनेंशियल हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, हर कंट्रोल करना है। अकाउंटिंग कैसे? कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। फाइनेंशियल कैसे? सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स। और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कैसे? दैट इज एडहेरेंस टू मैनेजमेंट पॉलिसी। इंटरनल आदमी किसका है? मैनेजमेंट का। तो रिपोर्ट भी किसको देगा? मैनेजमेंट को। एक्सटर्नल किसको रिपोर्ट देगा? शेयर होल्डर को। इसके लिए नो फॉर्मेट इज प्रिस्क्राइब्ड इंटरनल के लिए, बट एक्सटर्नल के लिए द फॉर्मेट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। बोलिए दोस्तों, क्या ये बात समझ में आ गई? फिक्स है तो ये हमने देखा है। कौन चीज कौन किसको? ओके, क्वेश्चन आया कि सर यहां पर लिखा कंसिडर्ड लेस इंडिपेंडेंस, तो हम कैसे ऐसा बोल सकते हैं ही इज टोटली नॉट इंडिपेंडेंट? देखिए, टोटली नॉट इंडिपेंडेंट तो बोलना कंसिडरेबली किसी भी इंसान के लिए गलत है, क्योंकि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिपेंडेंस सबको है, तो किसी को कम है किसी को ज्यादा। लेकिन आप ये बोलना कि नहीं ये तो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट नहीं है, तो आप तो गुलामी वाली बात कर रहे हैं, जो कि नॉर्मली गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए। इसके अलावा बताइए, कोई डाउट है क्या दोस्तों? इसके अलावा बोलो यस नो, जल्दी चैट बॉक्स में लिखेंगे। नो, क्या बात है, चल ग्रेट। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको टाइप्स ऑफ ऑडिटर दिखेगा दोस्तों। यहां पर एक दिख रहा है एक्सटर्नल ऑडिटर और एक दिख रहा है इंटरनल ऑडिटर। एक्सटर्नल ऑडिटर ऑल्सो नोन एज स्टैचुटरी ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर, बट इंटरनल ऑडिटर जो है वो किसके द्वारा अपॉइंटेड होता है? मैनेजमेंट। स्कोप ऑफ वर्क एक्सटर्नल का कौन बताता है? लॉ। इसका कौन बताएगा? मैनेजमेंट। एक्सटर्नल जो है वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड होता है, बाकायदा सीए होता है, वरना वो साइन नहीं कर सकता। सर इंटरनल, इंटरनल का सीए होना जरूरी नहीं है। अरे मैनेजमेंट को जम गए भाई, तुम सीए इंटर पास्ड हो। मैनेजमेंट को समझ गया कि सीए फाइनल चलो नहीं निकाला है, बट इसके अंदर दिमाग बहुत है, ठीक है, ये बंदा मेरे लायक है, तो वो मैनेजमेंट आपको रख लेगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरा एक फ्रेंड है, सीए इंटर पढ़ा है, टीवीएस कंपनी में इंटरनल ऑडिटर है, अभी का पैकेज 1.5 से 2 लाख के आसपास है, दुबई में काम कर रहा है। तो आप समझिए, वो इंडिया में नागपुर में ज्वाइन किया, नागपुर से बैंगलोर गया, बैंगलोर से फिर नीचे गए साउथ में थोड़े दिन रहा, और उसके बाद फिर सीधा दुबई निकल गया बेटा वो। तो अगर हम बात करें तो भाई अभी वो सीए इंटर बस पास है, फिर भी ये कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि भाई उन कंपनी को इंटरनल ऑडिटर के लिए कोई जरूरत नहीं है। ओके, इंडिपेंडेंस की बात की जाए तो ये इंडिपेंडेंट होता है, एक्सटर्नल ये इंडिपेंडेंट उतने नहीं होते, लेस इंडिपेंडेंट है। ऑडिट रिपोर्ट इज टू बी सबमिटेड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, एक्सटर्नल के केस में उसका एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट के बाजू में लिख लो दोस्तों SA 700। सर ये क्या लिखवा दिया आपने दोस्तों? कभी आपने AS सुना है क्या? AS बोलो, नलायको सुना ही होगा। AS ए लिखो, कुछ तो लिखो, ऐसा मत करो मेरे साथ। व्हाट डू यू मीन बाय AS? AS का फुल फॉर्म बताओ। चलो बताएंगे AS का फुल फॉर्म। चलो वेरी गुड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वेरी गुड। अगर अपन बात करें दोस्तों तो जैसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो अकाउंट्स में यूज होता है, वैसे ही SA है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये किसमें यूज होगा बताइए? ऑडिट में यूज होगा, सो सिंपल। तो इसके लिए अगर हम बात करें एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए क्या है, SA 700 है, एक्सटर्नल ऑडिटर का क्या हो जाता है? फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है, बट इंटरनल ऑडिटर में नो फॉर्मेट इज प्रिस्क्राइब फॉर द ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा, एक्सटर्नल ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट किसको देनी पड़ती है? शेयर होल्डर को। इंटरनल ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको देता है? मैनेजमेंट को। सिंपल इनफ, पक्का? तो अपन ने ऑडिट की डेफिनेशन पढ़ ली, इंटरनल ऑडिट क्या होता है, एक्सटर्नल ऑडिट क्या होता है ये पढ़ लिया, इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर के बारे में अपन ने पढ़ लिया है। चलिए अब क्योंकि बातें अपनी किसकी चल रही हैं, ऑडिटर से ही रिलेटेड चल रही हैं, तो आइए थोड़ी सी बातें अपन ऑडिटर से ही रिलेटेड पढ़ लेते हैं। आइए दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो भाई अब जितना भी मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके अंतर्गत इंटरनल ऑडिटर की बातें बहुत कम होगी। हम यहाँ पर बेसिकली किसके बारे में पढ़ेंगे? एक्सटर्नल ऑडिटर के बारे में। इंटरनल ऑडिटर रिलेटेड बातें हमारी क्या होगी दोस्तों? बहुत ही कम होगी। समझ में आ गया दोस्तों? पक्का? चलो अब बात करते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर की। तो एक्सटर्नल ऑडिटर जो है इसके बारे में अब अपन बात करेंगे इनकी क्वालिटीज के बारे में। किसके बारे में? इनकी क्वालिटीज के बारे में। दो प्रकार की क्वालिटी होती है बेटा एक्सटर्नल ऑडिटर में। एक क्वालिटी को अपन बोलते हैं टेक्निकल क्वालिटी, और एक क्वालिटी को अपन बोलते हैं पर्सनल क्वालिटी। बोलो कौन कौन सी क्वालिटी है?
टेक्निकल क्वालिटी और पर्सनल क्वालिटी। टेक्निकल क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत हम बेसिकली लिखेंगे सब्जेक्ट्स के नाम। किसके नाम लिखने वाले हैं दोस्तों? सब्जेक्ट्स के नाम लिखने वाले। सब्जेक्ट्स के नाम जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें लॉ, ऑडिट, अकाउंटिंग, टैक्स, कॉस्ट, इन सब का क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। तो इनका आपके पास नॉलेज होना चाहिए, इसे अपन कौन सा बोल सकते हैं? टेक्निकल क्वालिटी। ओके, नॉट टॉकिंग अबाउट विच क्वालिटी दोस्तों, पर्सनल क्वालिटी। पर्सनल क्वालिटी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो पर्सनल क्वालिटी में हमारे बीच में अलग अलग क्वालिटीज हैं ऑडिटर की। जैसे कि दोस्तों पहली क्वालिटी एक ऑडिटर से एक्सपेक्ट की जाती है, दैट इज नोन एज इंटीग्रिटी। क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? इंटीग्रिटी। सर व्हाट इज इंटीग्रिटी? इंटीग्रिटी का मतलब हो जाता है दोस्तों ईमानदारी। किसी भी ऑडिटर ने जब काम करना है तो बहुत ही ईमानदारी के साथ क्या करना है? उसको काम करना है। तो पहला क्या हो गया दोस्तों? इंटीग्रिटी। दूसरा पॉइंट क्या हो गया दोस्तों? ऑब्जेक्टिविटी। क्या पॉइंट है? ऑब्जेक्टिविटी। सो व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी? उसे ऑब्जेक्ट के प्रति, अपने गोल के प्रति कैसा रहना है? एकदम एकदम ही बोलना चाहिए, एकदम ही सिंसियर रहना है। ठीक है कि भाई उसका जो गोल है, उसको जो काम करना है, वो उस काम को करे। दैट इज नोन एज व्हाट? ऑब्जेक्टिविटी। फिर नेक्स्ट वर्ड बोला गया दोस्तों, दैट इज नोन एज व्हाट दोस्तों? कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, दैट इज नोन एज कॉन्फिडेंशियलिटी। ये कॉन्फिडेंशियलिटी को अपन बाद में लिख लेंगे। ठीक है, अभी एक नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, दैट इज नोन एज कम्युनिकेशन स्किल्स। क्या होना जरूरी है ऑडिटर के अंदर? कम्युनिकेशन स्किल्स। व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल्स दोस्तों? बात करने की कला। ऑब्वियस ही बात है, आज रिटन भी उन्हें कम्युनिकेट करना होगा, ओरली भी कम्युनिकेट करना होगा। ऐसे में इन्हें क्या वर्ड्स को चूज करना है, कैसे अपनी बात को प्रेजेंट करना है, ये कम्युनिकेशन स्किल्स इनको आने चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, जिसे अपन बोलते हैं भाई, इनके अंतर्गत होना चाहिए प्रोफेशनल स्किल्स। प्रोफेशनल स्किल्स, दे हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल। ठीक है भाई, डिसिप्लिन तरीके से काम करना, आना जाना, ठीक है, अच्छे से वर्क को मैनेज करना, वर्क पेपर्स को मैनेज करना। कल के दिन अगर कोई भी आपसे कुछ पूछे तो ऐसे हैफजर्ड तरीके से काम नहीं करो, काफी प्लान्ड तरीके से काम करना, ऐसे आपका होना चाहिए प्रोफेशनल स्किल्स। नेक्स्ट बोला गया भाई, आपका होना चाहिए प्रोफेशनल जजमेंट। सो व्हाट इज दिस प्रोफेशनल जजमेंट? प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब हो जाता है थोड़ा सोच समझ करके, विचार करके, अपने एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए आपको फैसले लेने, और जो भी आप फैसले लेंगे वो ऐसे फैसले लीजिएगा जो कि आपके मंजिल को पाने में आपकी मदद करें। दैट इज नोन एज प्रोफेशनल जजमेंट। फिर होना जरूरी है आपके पास क्या दोस्तों? नॉलेज। अरे नॉलेज तो क्या नॉलेज? अपडेटेड नॉलेज। कैसा नॉलेज दोस्तों? अपडेटेड नॉलेज। नेक्स्ट थिंग बोला गया दोस्तों क्या? इंडिपेंडेंस। क्या बोला गया? इंडिपेंडेंस। ओके, इंडिपेंडेंस की अगर मैं बात करूं तो इंडिपेंडेंस दो प्रकार की है। एक है इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड, एंड है इंडिपेंडेंस बाय अपीयरेंस। दो प्रकार की इंडिपेंडेंस है, एक है इंडिपेंडेंस बाय माइंड और एक है इंडिपेंडेंस बाय अपीयरेंस। सो व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंस बाय अपीयरेंस? इंडिपेंडेंस बाय अपीयरेंस मतलब मैं दिख रहा हूं इंडिपेंडेंट, मैं दिख कैसा रहा हूं बोलो? इंडिपेंडेंट। एग्जाम्पल, आज आप मुझे बताइए, क्या मैं अपने पापा की कंपनी को ऑडिट कर सकता हूं? क्या बोलो? क्या मैं अपने पापा की कंपनी को ऑडिट कर लूं? कोई दिक्कत है क्या? नहीं कर सकता? नहीं। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो पापा की कंपनी है, मैं बेटा हूं। पापा ने अगर अकाउंटिंग में गड़बड़ी की होगी तो जो बेटा चार्टर्ड है वो अपने पापा की गलतियां थोड़ी ना निकालेगा, वो तो साइन करके दे देगा। तो आई विल नॉट बी इंडिपेंडेंट बाय अपीयरेंस। तो मेरे पास अगर वो इंडिपेंडेंस वाली क्वालिटी नहीं है तो मैं क्या नहीं बन सकता? उसका ऑडिटर नहीं बन सकता। या फिर दूसरा, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड। क्या बोला है दोस्तों? दूसरा, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड। व्हाट इज इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड? दैट इज मन से इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। कई बार मेरा और आपका अपीयरेंस से इंडिपेंडेंस दिखते हैं लेकिन मन से हम इंडिपेंडेंट नहीं होते। सर मतलब सिंपल सी बात है, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम मनस्वी, मान लीजिए भाई मनस्वी जो है वो भाई मेरी स्टूडेंट है, आज सीए बन गई है, और मनस्वी जो है उन्हें मैंने बोला आपको नाहटा क्लासेस का ऑडिट करना है। अब अगर मैं और मनस्वी साथ में खड़े हैं तो आपको तो कुछ पता ही नहीं चलेगा क्योंकि हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है।
ठीक है, किसी प्रकार का हमारे बीच में रिश्ता नहीं है। तो अगर देखा जाए तो शी विल बी इंडिपेंडेंट बाय अपीयरेंस। ठीक है, आज मनस्वी कहीं से भी कोई रिलेशन में मेरे साथ नहीं आती है, किसी प्रकार का फैमिली टर्म्स नहीं है। तो देखा जाए तो मनस्वी इंडिपेंडेंट है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। लेकिन अगर माइंड वाइज चेकआउट किया जाए तो क्योंकि ये मेरी स्टूडेंट रह चुकी है 4 साल पहले, तो आज जैसा सर बोलेंगे वैसा स्टूडेंट करेगा। तो देखने में तो हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। बाय अपीयरेंस शी इज व्हाट दोस्तों, इंडिपेंडेंट, बट बाय माइंड शी इज नॉट इंडिपेंडेंट। लेकिन यहां पर आपको इंडिपेंडेंट दोनों से होना है, दोनों से मतलब बाय माइंड भी और बाय अपीयरेंस भी। बोलो आया समझ में? ओके, नेक्स्ट क्या है दोस्तों यहां पे? कॉन्फिडेंशियलिटी। सो व्हाट इज दिस कॉन्फिडेंशियलिटी? कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है दोस्तों, राज को राज ही रहने दो भाई। जो सीक्रेट्स है किसके? बिजनेस हाउस के, क्लाइंट्स के, वो सीक्रेट आप किसी को लीक नहीं करेंगे। दैट इज आपको क्या मेंटेन करके रखनी पड़ेगी? कॉन्फिडेंशियलिटी। राज को आपको क्या रखना पड़ेगा? राज ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके अंदर ये वाली चीज होनी चाहिए। अगर ये वाला आपके अंदर स्किल्स नहीं तो डेवलप करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं की बात पता चली और आपने उसे पूरे संसार में जाके बता दिया। ऐसा काम आपको नहीं करना है। तो आपको कैसा रखना है? कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है। हाँ, दो जगह पर कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं भी मेंटेन किया तो भी चलेगा। पहला, अगर इफ इट इज परमिटेड बाय क्लाइंट, क्लाइंट ने इसे क्या कर दिया बताइए? परमिट कर दिया। क्लाइंट बोला ठीक है ना भाई, बता देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरा बैंक के अंतर्गत क्लाइंट बोल रहा है, नाटक क्लासेस का ओनर बोल रहा है कि भाई मुझे 5 करोड़ का लोन चाहिए। बैंक मैनेजर बोल रहा है हमें आपके सीए से बात करनी है। तो मैं सीए को क्या बोला? सीए, अपन ने कोई गड़बड़ी तो की नहीं है, कोई छुपाने वाली बात तो है ही नहीं। भाई मुझे लोन चाहिए, तुम जाओ मैनेजर से मिलो, मैनेजर जो जो सवाल पूछे धड़ल्ले से उसका आंसर दो, कोई टेंशन नहीं, कोई कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट दोस्तों परमिटेड बाय क्लाइंट। और दूसरा क्या है? इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। लॉ के द्वारा क्या किया गया है? रिक्वायर्ड किया गया है। आज अगर मैं बात करूं दोस्तों, आपके इनकम टैक्स की रेट पड़ती है मान लीजिए, तो पता है किसको बुलाया जाता है? सीए को भी बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि सीए के पास क्या है? सारी डिटेल सीए के पास है। तो अब सीए को भी बुलाया जाएगा जब उसमें, तो कहीं ना कहीं अब आप इनकम टैक्स ऑफिसर्स को ये नहीं बोल सकते कि नहीं मैं कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखूंगा, मैं नहीं बताऊंगा, मेरे क्लाइंट की इंफॉर्मेशन मैं आपको क्यों दूं। नहीं भाई, वहां पर लॉ की रिक्वायरमेंट है, वहां पर अधिकार है उन ऑफिसर्स को कि वो आपसे क्या कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अगर आपने उनको इंफॉर्मेशन नहीं दी बेटा, तो मारते 10 हैं, गिनते एक है, फिर गिनती भूल भी जाते हैं बेटा, फिर स्टार्ट करते हैं वापस, गड़बड़ हो जाएगी आपके साथ। इसीलिए आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा दोस्तों? लॉ को मेंटेन करते हुए और लॉ की रिक्वायर्ड को समझते हुए आपको कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज को यहां पर क्या करना पड़ेगा? अलग करना पड़ेगा। तो अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये सब क्या है हमारे सामने बताइए? दीज आर नोन एज व्हाट? हमारी क्वालिटीज। क्वालिटीज कौन सी है? पर्सनल है, यस और नो? पर्सनल क्वालिटी है, यस। पर्सनल क्वालिटी कौन कौन सी है बताइए? पहला क्या है? इंटीग्रिटी। दूसरा क्या है? ऑब्जेक्टिविटी। तीसरा क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स। फिर क्या है? प्रोफेशनल स्किल्स। फिर क्या है? प्रोफेशनल जजमेंट। फिर क्या है? नॉलेज। फिर क्या है? इंडिपेंडेंस। और फिर क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी। इसे याद कैसे करोगे? इसे याद करोगे IOCP2 की किट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। ओके, हाँ एक टी रह गया अपना। ओके चलिए भाई, चलिए एक अपना टी यहां पर रह गया है। टी स्टैंड्स फॉर व्हाट दोस्तों? टैक्टफुलनेस। चलिए, व्हाट डू यू मीन बाय टैक्टफुलनेस? टैक्टफुलनेस का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपको टैकल करते आना चाहिए। आज बीइंग अ चार्टर्ड आप बहुत सारे प्रकार के लोगों से मुलाकात करेंगे, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे जो कि आर्टिकलशिप में आते हैं उनसे लेकर के बड़े बड़े आपको ऑफिसर्स से क्या करनी है दोस्तों? बातचीत करनी है। तो ऐसे केस में कहीं आप क्या ना कर दे दोस्तों? गड़बड़ ना कर दें। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोला गया भैया? आपको क्या मेंटेन करनी पड़ेगी? टैक्टफुलनेस। आपको लोगों को टैकल करते आना चाहिए। That is known as tactfulness. और इससे आप याद कर लेंगे कैसे दोस्तों? IOCP2 की किट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। बोलिए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है?
बोलो दोस्तों, यस चलिए आ जाइए इस चीज के बारे में। यहां पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों क्या क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर दिख रहा होगा। चलिए क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर में आप देखेंगे दोस्तों दो प्रकार की क्वालिटी है, एक है कौन सी टेक्निकल, दूसरी कौन सी है बताइए पर्सनल। टेक्निकल क्वालिटी की अगर हम बात करें तो कौन कौन से है, अकाउंटेंसी, लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑडिटिंग, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, क्लाइंट का नेचर ऑफ बिजनेस, ये हो गया हमारा क्या दोस्तों, दीज आर नोन एज व्हाट टेक्निकल क्वालिटी। उसके बाद पर्सनल क्वालिटी में देखेंगे पहले क्या दिखा हुआ है, इंटीग्रिटी, दूसरा ऑब्जेक्टिविटी, फिर तीसरा कम्युनिकेशन स्किल्स, फिर उसके बाद क्या था पी प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल स्किल्स, के फॉर नॉलेज, आई फॉर इंडिपेंडेंस, टी फॉर टैक्टफुलनेस, और फिर क्या हो गया कॉन्फिडेंशियलिटी। अब अंदर का पढ़ो इंटीग्रिटी में, इंटीग्रिटी में बोला गया ऑनेस्ट होना चाहिए, सिंसियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, तो मैंने भी आपको बताया था ईमानदार होना चाहिए। फिर ऑब्जेक्टिविटी में भाई अनबायस एंड इम्पर्सनल अप्रोच, अपने गोल की तरफ भाई सिंसियर होना चाहिए। इंडिपेंडेंस, किसी के भी दबाव में काम ना करें, ही मस्ट बी फ्री ऑफ फ्रॉम एनी इंटरेस्ट एपरेंटली एज वेल एज इन रियालिटी, रियालिटी और एपरेंटली दोनों में क्या होना चाहिए दोस्तों, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ही शुड हैव जनरल नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस एंड इकोनॉमिक ट्रेंड्स, अवेयरनेस अबाउट लॉ लाइक टैक्सेशन लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। ही मस्ट कंटिन्यूसली अपडेट हिज नॉलेज, मतलब नॉलेज तो चाहिए, नॉलेज तो क्या नॉलेज, कौन सा नॉलेज, अपडेटेड नॉलेज। कम्युनिकेशन में क्या बोला गया, ड्यूरिंग कंडक्ट ऑफ ऑडिट ही हैज टू इंटरेक्ट विद वेरियस ऑफिसर्स एंड स्टाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दस इज रिक्वायर्ड टू हैव गुड ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन एबिलिटी। टैक्टफुलनेस में ही मस्ट बी एबल टू डील विद डिफरेंट पर्सन इन डिफरेंट सिचुएशन, he has to direct and supervise his own staff as well as thus he should be tactful. Professional judgment, he should be capable of taking firm judgment as to which item to be checked and what should be the process of performing the audit. Audit ko kaise kaam karna hai uska aap kaise firm aapka pehle se taiyar hona chahiye judgment ke। चलिए सॉरी फॉर द वॉइस प्रॉब्लम, आ जाइए अब स्टार्ट करते। तो अपन बात कर रहे थे किसकी, प्रोफेशनल स्किल्स की, वो प्रॉब्लम को इंटरप्रेट कर पाए एंड उसे डील कर पाए। लास्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी दोस्तों, शुड नॉट डिस्क्लोज व्हाट दोस्तों, कॉन्फिडेंट इन्फॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन उसे डिस्क्लोज नहीं करना है। हाँ दो केसेस में आप कर सकते हैं, ठीक है, पहला इफ इट इज परमिटेड बाय क्लाइंट और दूसरा इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। चलिए मुझे उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ रही है, बोलो यस और नो, यस। चल अच्छा अब अपन बात करेंगे छोटी सी बात, ऑडिट और अकाउंट्स, ऑडिटिंग करना और अकाउंटिंग करना क्या दोनों सेम है कि अलग अलग है, क्या लगता है डिफरेंस है ही। ऑडिटिंग करना मतलब क्या हो जाता है उसका चेकिंग करना, और अकाउंटिंग करना क्या हो जाता है प्रिपेयर करना, किसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। तो आज अगर अपन बात करें दोस्तों तो ऑडिटिंग और अकाउंटिंग दोनों क्या है, डिफरेंट है। ऑडिटिंग क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, और अकाउंटिंग क्या है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसका ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड आउट कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहा है कि नहीं, और ऑडिटिंग का क्या है, अकाउंटिंग क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ व्हाट ट्रांजेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एस्पेक्ट्स की बात करें दोस्तों तो इट कवर्स एग्जामिनेशन एस्पेक्ट, कौन सा, ऑडिटिंग, और अकाउंटिंग क्या करता है, रिकॉर्डिंग एस्पेक्ट्स को देखता है। अच्छा ऑडिटिंग कौन करेगा, क्वालिफाइड सीए करेगा, अकाउंटिंग कौन करेगा, एनी पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। ओके ऑडिटिंग कौन करता है, इट इज डन एज पर एसएस, और अकाउंटिंग कौन करता है, इट इज डन पर एएस। वेरी गुड, डिफरेंट सब्जेक्ट्स का नॉलेज अपन को ऑडिट में चाहिए, क्योंकि ऑडिट में आपको टैक्स, अकाउंट्स, कॉस्ट, लॉस सबका चाहिए, लेकिन अगर हम बात करें अकाउंटिंग के अंतर्गत यू हैव टू हैव ओनली गुड नॉलेज अबाउट द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। Getting my point? Simple enough? चलो नेक्स्ट,
नेक्स्ट आ जाओ, एक बार हम ऑडिट की अब एकदम इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं, ठीक है, इसे भी रीड कर लेते हैं, फिर कुछ नया स्टार्ट करेंगे। वहाँ पर आपको ऑडिटिंग की डेफिनेशन दिखेगी थर्ड पैराग्राफ में। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉट विद अ व्यू टू एक्सप्रेस व्हाट दोस्तों ओपिनियन ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू। इसको तो अपन डीप में देख चुके हैं। ऑडिट एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन है, तो भाई इट इज कंडक्टेड इन अ प्रॉपर वे, कंप्लीटली अनबायस्ड वे पे होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या हो जाता है, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। प्रिपेयर कौन करता है इसको, मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी, कौन करेगा बोलो, मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी। अच्छा, एंटिटी की अगर हम बात करें तो भाई एंटिटी की बात की जाए तो भाई जो क्लाइंट्स हैं उनके कैन बी एंटिटी वॉट एवर इज द लीगल फॉर्म, चाहे प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, ट्रस्ट हो, इसलिए एंटिटी बोला है, कंपनी नहीं बोला, ठीक है। एंड द एंटिटी में भी प्रॉफिट ओरिएंटेड और चैरिटेबल वन, कैसा भी हो सकता है। ओपिनियन देना है, जजमेंट नहीं देना है, और ओपिनियन किस पर देना है, ऑन पी आर डी, पी देखो पी फॉर पॉलिसी, आर फॉर डिस्क्लोजर सॉरी रेगुलेशन एंड डी फॉर डिस्क्लोजर। पॉलिसी के लिए देखो क्या बोला गया, एक्सेप्टेबल एंड कंसिस्टेंट, समझ में आ गया। दूसरा रेगुलेशन में लिखा हुआ रिलेवेंट रेगुलेशन, रिलेवेंट मतलब इंटरनल एंड एक्सटर्नल, और अगर हम बात करें डिस्क्लोजर में क्या बोला गया, ऑल मटीरियल, क्या बोलते हैं, समझ में। कौन करेगा दोस्तों ये करेगा कौन दोस्तों, सीए, कौन करेगा, सीए हैविंग व्हाट दोस्तों, सीओपी। अच्छा, किसी को पता है ये हैविंग सीओपी का मतलब क्या है, क्या होता है इसका मतलब? ओके, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए। व्हाट इज सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, मतलब ये ऑफिस ओपन करेगा, वेरी गुड। मतलब सीएस ना जनरली कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑफिस खोलने के बजाय जॉब में चले जाते हैं, होते हैं ना, 10 लाख का पैकेज लग गया, 25 लाख का पैकेज लग गया, तो पैकेज कैसे लगा, क्योंकि उन्होंने खुद का ऑफिस नहीं खोला, वो किस में चले गए, जॉब में चले गए। अगर आप जॉब में नहीं जाते हैं और आप अगर अपना खुद का ऑफिस ओपन करते हैं तो आपके पास क्या होना जरूरी है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना जरूरी है। चलिए बोलिए दोस्तों, क्या यहां तक की चीज समझ में आई पक्का? चलिए, ये भी हो गया। ऊपर आएंगे तो छोटी सी बात लिखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब यही है, पीएनएल है, बैलेंस शीट है, नोट्स टू अकाउंट्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है। फिर इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, किसके बारे में, हुआ दी यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आखिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कौन से यूजर्स है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो भाई कौन कौन है, पहला है कौन, कस्टमर, ओनर, मैनेजमेंट, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज एंड इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स क्या देखते हैं, इन्वेस्टर्स ये देखते हैं कि क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं, इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एम्प्लॉयज क्या चेक करते हैं कि भाई क्या उन्हें जो वेजेस एंड सैलरी मिल रही है वो रीजनेबल है या नहीं है। गवर्नमेंट क्या देखेगी कि भाई क्या डायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट सही किया है कि नहीं, वैट वगैरह सही किया है कि नहीं। क्रेडिटर्स क्या चेक करेंगे दोस्तों, उसका क्रेडिट वर्दीनेस। मैनेजमेंट खुद का परफॉर्मेंस देखते हैं। ओनर्स जो है वो इवैल्यूएट करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। और कस्टमर ये देखते हैं कि क्या इनके साथ हमें रह करके काम करना है कि नहीं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में हमें रहना है कि नहीं रहना है। समझ में आ गया, दीज आर व्हाट दोस्तों, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। समझ में आ गया पक्का, 5 मिनट। चलिए, तो अपन ने क्या देख लिया दोस्तों, तो अपन ने डेफिनेशन देख लिया है, ठीक है, ऑडिट की डेफिनेशन। अगर हम बात करें तो ऑडिट की डेफिनेशन अपन ने चेकआउट कर लिए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में अपन ने चेकआउट कर लिया है। चलिए, तो अगर हम बात करें दोस्तों, उसके बाद हमने और क्या देख लिया था दोस्तों, हमने उसके बाद देख लिया है अलग अलग प्रकार के ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर होते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर होते हैं, इंटरनल ऑडिटिंग होती है, एक्सटर्नल ऑडिटिंग होती है। साथ ही साथ अपन ने क्वालिटीज भी देख लिया किसकी, ऑडिटर की। उसके अलावा अपन ने क्या चेक कर लिया है, ऑडिटिंग वर्सेस अकाउंटिंग, कि भाई ऑडिट क्या होता है, अकाउंट्स क्या होता है, इन चीजों के बारे में अपन ने क्या कर लिया दोस्तों, यहां पर बातचीत कर लिया। बोलिए, यहां तक कोई डाउट है, फास्ट जल्दी बोलो। तो फिर चलिए दोस्तों, कोई डाउट नहीं है, सो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं दोस्तों, थैंक यू सो मच। कल की क्लास में आप जरूर जरूर इन सारी चीजों को अच्छे से रिवाइज करोगे, रिलीजियसली ऑडिट को आपको रिवाइज करना है, ठीक है दोस्तों। कोई भी डाउट आए जरूर कल की क्लास में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आपको यहाँ नीचे तो मेरा नंबर दिख ही रहा है दोस्तों, ठीक है, उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इन केस अगर पढ़ते समय आपको कोई डाउट आया तो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, अभी के लिए इतना ही है, टाटा बाबा, सी या बाय।